कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, मिलके अब हम बड़े प्यारे से जिंदगी की जी हाँ दोस्तों, साथियों आप सभी को हम रेडियो सरगम पर स्वागत करते हैं। आज यहाँ पर संडे है और 7:20 PM हो गया है दोस्तों। नवरात्रि का आज पांचवा दिन है। आप सभी को तहे दिल से रेडियो सरगम के माध्यम से आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ पंडित देवेंद्र शर्मा जी भी जुड़े हैं। पंडित जी आपको भी हम नमस्कार करते हैं। आपको भी नमस्कार, सुनने वाले श्रोताओं को भी नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोग्राम है पांचवा दिन का, उम्मीद है दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज टू शेयर दिस प्रोग्राम। नवरात्रि का समय है दोस्तों, हम मंदिर मंदिर नहीं जाकर पूजा कर पा रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस जो प्रोग्राम को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करेंगे, वो भी कुछ नाम रामनवमी से कुछ ज्ञान ले सकेंगे और भाग भी ले सकेंगे। उम्मीद करेंगे आप ऐसा ही करेंगे। और प्रमिला जी आपको भी, जय श्री राम। रजनी जी आपको भी, जीत सिंह, कृष्ण सिंह जी आपको भी हम शामिल कर लेते हैं। कमल रानीगर जी वेलकम। प्रवीणा देवी जी आपको भी स्वागत है। अंजना कुमार जी आपको भी, जय श्री राम। इजिगेल वेलकम, आपको भी हम शामिल कर लेते हैं। परमिला कुमार जी आपको भी, और रोशनी लता साथ साथ में, जो जानन जी आपको भी, ओम नमो नारायण। प्रवीणा जी स्वागत है आपका। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर हम अपना टाइटल सॉन्ग छोड़ते हैं। समय हो गया है 7:20, आने में देर हो गई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो हम जो अपना आज का पूजा है प्रेयर यहाँ से शुरू करते हैं। पंडित जी आप जी हाँ श्रोताओ, अब पंचवी रात में देखते देखते हमारे बीच में लोग पहला दिन से लेकर के सोचे थे कि कैसे किस कथा, इस कथा को, इस प्रवचन को, इस सत्संग को, इस जो हम लोग को साधन मिली है कैसे चलेगी। लेकिन राम जी की इच्छा थी कि हम लोग यहाँ तक जरूर खींच के लाएँ, और आशा है और कि अगले चार दिन अथवा रात्रि के बीच में आपको बीच में इस कथाओं को, देवी की चर्चा को लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। रामायण तो बड़ी विशाल है, इसको पूरे महीने भर गाया जाए, जीवन भर उतारा जाए, फिर भी ऐसे ही लगता है कि कुछ ना कुछ नया हमेशा हर दिन प्रतिदिन सीखने को मिलता ही मिलता है। राम जी ही ऐसा है कि ज्ञान हम लोग को जीवन में भरने की क्षमता रखते हैं, और यही हम लोग की इच्छा है कि बारी बारी से जो भी राम करके गए हैं लीला के हिसाब से, वो हम आपके बीच में प्रस्तुत करें। कल के प्रसंग जहाँ पे लाकर छोड़े थे वहाँ से आगे उठाएंगे, ताकि और भी दुख और सुख दोनों की राम के जीवन का एक एक न एक स्थान पर मिलते ही जाती है। और वैसे ही हम लोग के जीवन में भी तैयार रहना चाहिए, कभी खुशी की बेला आती है, कभी ऐसा दुख के मार्ग पर चलना पड़ता है। ऐसे ही राम का ही जीवन है, एक पल विवाह करके आए तो ऐसा मंगल जीवन चली, और दूसरे तरफ फिर से वन में जाना तो फिर कैसे भगवान राम इसको लेते हैं। इस प्रसंग को आपको आज अयोध्या कांड से, अरण्या कांड से लेकर के चलेंगे। चलते हैं आज का ध्यान मंत्रों के द्वारा। ध्यान मंत्रों के द्वारा आपके पास अपने पूजा स्थान पर बैठे हैं तो अपने ऊपर जल छिड़क कर करके और हाथ जोड़ करके भगवान के ध्यान में बैठे। हरिओम।
करते हैं इधर अपने घर पर आप पूजा के स्थान पर या मंडप में कहीं सजा करके बैठे हैं रामनवमी के शुभ सिद्धों में, तो इसके लिए मूर्ति की सेवा के लिए तैयार हो जाइए। भगवान को हो सके तो स्नान कराइए, जल पंचामिनी जो भी वस्तु आपके पास है उसके पश्चात चंदन अगरबत्ती हो धूप दीप अर्पण करके फूल माला और प्रसाद भोग अर्पण करके भगवान का पूजन की तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद। जही सुमिरा दस दहो Thank you.
प्रसाद कुछ भी तैयार है, भोग भी तैयार है, तो उसको लेकर के तुलसी पत्र रख करके भगवान श्री राम की मूर्ति के आगे आप तैयारी कर लीजिए और श्याम रसिया मोरी मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया को स्थापित करने के पश्चात हम लोग यहाँ पर भगवान की उस बेला का कथा को श्री गणेश करने जा रहे हैं। कल संक्षेप में आपसे कह दूं कि हम लोग बालकांड छोड़ करके अयोध्या कांड पहुंचे। यही दो कांड जो बड़ी विशाल रूप से तुलसीदास जी इस पे चर्चा किए हैं कि जीवन चरित भगवान का जैसे भी है, जितनी बाल लीला में और वैवाहिक जीवन शुरुआत में जितनी हुई उतनी आगे चल के कम पड़ेगी। और अयोध्या में क्या दशा हुई कल हम लोग सुने, नौजवान लोग युवक लोग जो देश के लिए हमेशा खड़े रहते थे युवक के लिए, और इसी समय ऐसा दशा उनको हो जाती है कि कहीं एक दूसरे को मुंह दिखाने लायक नहीं बन जाते हैं। ये दशा जैसे ही अयोध्या में है वैसे ही सारे पृथ्वी पर फैल जाती है कि दुख के बेला केवट को भी अनुभव हुआ कि कितने दुख के समय है, और लेकिन केवट आ करके उसको सहायता करें। कल हम देखे भगवान राम को गंगा पार करने के लिए
आ पार करने में उतराई के लिए भगवान के पास भी कुछ नहीं थे, तो भगवान कद्दूक को देख करके सीता मैया समझ जाते हैं कि हमारे पति का घोर समय चल रहा है। जो कुछ भी था सब तो अयोध्या में छोड़ करके आए हैं, तो उसमें उसे सहायता के लिए अंगूठी देते हैं, लेकिन केवट मना करते कि भगवान मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आपका वरदान आशीर्वाद बहुत कुछ मिल गया मेरे पास। ऐसे ही जीवन में जो कुछ भी हम लोग को प्राप्त हो जाए वो सब एक ना एक दिन नाशवान है, सिवाय भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति जिसको प्राप्त हुआ, सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, भगवान के दरबार में पहुंचे तो भगवान से आशा नहीं रखे थे कि संपत्ति मिलेगी बढ़ेगी। लोग पूछते भी थे कि क्या मांगने की क्या इच्छा है आप भगवान से, तो सुदामा कभी नहीं स्वीकार किए कि मुझे कोई इच्छा है, मेरी तो यही थी कि भगवान की भक्ति मुझे मिल जाए। गरीबी पूरी सीमा पर थी लेकिन फिर भी नहीं। ऐसे ही केवट की दशा यहाँ पर है कि केवट चाहते तो बहुत कुछ मांग सकते थे कि वहाँ पर भगवान ऐसा मुझे वरदान ले, लेकिन केवट यही कहें कि भगवान आपने जो अपना चरण का जल दे दिए, अपने हमारे साथ पीढ़ी को हम तार दिए, अपने जो कुल में अभी चल रही है ये पीढ़ी को भी तार दिए, और ये जल लेकर आपके आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ, तो भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिल जाए कि हम उनका भक्ति में लीन रहें, यही सबसे उत्तम हमको लाभ होना चाहिए। जीवन में सब कुछ रहे लेकिन कभी ना कभी ये सब कुछ नाश होने वाला है। जो नाश नहीं होने वाला है जो हमारे और आपका भक्ति, इस जन्म से दूसरे जन्म जाने वाला, ऐसे भक्ति को हमको ढूंढना चाहिए। सिर्फ ऐसे समय पर नहीं कि रामनवमी है तो हम लीन हो जाए भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा का आनंद दे, लेकिन जब भी अवसर मिले भगवान की कथा का एक ना एक चिन्ह आप जरूर ले उतारे जीवन में। पढ़ लेना सुन लेना तो 10% का बात है, समझ लेना और 10% रखिए, लेकिन 80% है जो पढ़े और सुने उसको जीवन में उतारे तभी वो लाभदायक होता है। तो ऐसी बातों को लेकर के हम लोग भगवान राम का स्तुति करते हैं, और भगवान का राम की स्तुति के साथ साथ में ये देखते हैं कथा आज का किधर लेकर के हमको चलते हैं। Oh,
स्तुति में हम लोग सुने। बेकारण तुलसीदास जी कहते बेकारण कृपा करने वाले, बिना कोई कारण ही कृपा कर दे, ऐसे भगवान राम हमारे हैं। और यहाँ पे देखे कि दुष्टों के साथ में, भाइयों के साथ में, परिवार के साथ में, समाज के साथ में भगवान कैसे व्यवहार करके और वन में निकल जाए। और निकलते समय ये भी नहीं सोचे कि हमारे साथ में वो सीता जो कि जननी भी है कि उनका क्या दशा होगा वन में। और ये भी उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी साथ में, जिमवारी इनका इतने भारी कि वन में अकेले अनजाने में ना किसी को पहचानते हुए पहुंच गए। केवट ऐसे सज्जन शुरू शुरू में मिले तो उनको सही मार्ग दिखाएं, केवट के बाद में भगवान आगे बढ़ेंगे, और ऐसे सोचने लगेंगे कि किस किस स्थान पर मुझे जाना है, कहाँ रहना। केवट से तो प्रश्न, केवट ने प्रश्न किया था भगवान से कि भगवान कहीं आपके पिताजी ने मुहूर्त तो नहीं दिया है ना कि किस स्थिति पर किस दिन पर कहाँ रहना है। 14 वर्ष तो 14 वर्ष ही है, बन तो बन ही है, किसी स्थान पर रह सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं रुक जाते। भगवान ने कहा नहीं, मुझे वन में जाना है। उसी बीच लक्ष्मण पूछते हैं कि भगवान कितने राजाओं महाराजा से हम मिले हैं और मिलेंगे, असाधु संत समाज से मिलेंगे यहाँ पर, कितने के तो नाम भी याद नहीं रहे किस संत के हम, किस संत से हम मिले हैं। भगवान बताते हैं किसी का नाम याद करने की क्या अर्थ है, उनका सत्संग का लाभ लीजिए। उनके संग बैठने से उनको भक्ति का अनुभव जो है जीवन में उसका लाभ लीजिए कि कैसे हम उनके अनुभव से, यानी कि जीवन में कैसे वो भक्ति आराधना की है उसको हम अपने जीवन में कैसे उतार पाए, इस बात को देखिए। ये सारे बात लक्ष्मण और इधर राम के बीच में हो रही है। दोनों भाई और देवी सीता आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए उनका उस स्थान पर हम लोग पहुँच रहे हैं जहाँ पर भगवान जाएंगे चित्रकूट में। चित्रकूट ऐसा महान पर्व स्थान है जहाँ आज भी इसी युग में भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित तुलसीदास जी को दर्शन दिए, आज से कुछ 560 साल पहले ही। मैंने इतने हजारों वर्ष बीत गई, बीच में त्रेता युग गई, द्वापर कृष्ण की लीला के समय गई, और इधर हम लोग कलयुग में बैठे हैं। कलयुग में भी इच्छा किसी को हो तो भगवान दर्शन दे सकते हैं, लेकिन तुलसीदास जैसा श्रद्धा होना चाहिए, तुलसीदास जैसा चाहत होना चाहिए कि भगवान को हम सचमुच में चाहे, भगवान को सचमुच में पाए। तो तुलसीदास ऐसे ढूंढते ढूंढते भगवान को सचमुच में वहां पर पाते हैं चित्रकूट में। और वहां पर पाने के बाद में कथा इस प्रकार से तुलसी अयोध्या कांड में कैसे तुलसीदास जी लिखे कि उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर वाल्मीकि, जो हमने पहले दिनों में कहा था कि वाल्मीकि पहले था क्या थे, बालिया लुटारा थे, नारद मुनि ऐसा उनको मंत्र मिल जाती है कि राम राम बोलना वो भी ठीक से नहीं बोले तो उल्टा नाम जपत करके फिर भी भगवान वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बन गए थे। भगवान राम को आने से पहले ही ये सारे रामायण का ग्रंथ लिख चुके थे। उनका आश्रम में भगवान चुन चुन करके भक्तों को आश्रम में गए हैं और वहाँ पर कैसे जाकर क्या करते हैं, हम हनुमान जी की स्तुति कर लेते हैं चालीसा के द्वारा, फिर आपके बीच में आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार, बरे नौ रघुबर बिमल जसु जो धायक फल चार, बुद्धिहीन तन जानि के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहे हरहु करे शिव विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिन्हु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी सुमति की वार सुमति की संगी, कंचन बल विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंकुम केसा, हाथ वज्र अर भुजा विराजी कांधे मूंज धनी उजाजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी यति चातुर राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सरिबे को रतिया राम रतन सीता मन रतिया, विषम रूप धरि त्यागि दिखावा विकट रूप धरि रंग जलावा, प्रेम रूप धरि अतुल चलावे रामचंद्र के काज चवावे, राइस जीवन लखि लियारे
श्री राम अर्धांगनी सहित लघु भ्राता सहित पहुंच रहे हैं कहां पर चित्रकूट में स्थान वो है जहां वाल्मीकि के आश्रम पहुंच रहे भगवान चुन चुन करके भक्तों के यहां दर्शन दिए हैं। एक दूसरों को जब अनुभव होते हैं वाल्मीकि अपने आप का भाग अपने पुण्य के बारे में सोचते कि कहां मैं एक लुटारा होया करता था इसी जन्म में। कितने लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में कहा जाता है भक्ति में कि जब से व्यक्ति बदल जाए तब से उनको देखना चाहिए। वाल्मीकि की देखिए पहले क्या था इसी जन्म में और जन्म से गुरु जब मार्ग बदल दिए गुरु का एक मंत्र लेने के बाद में कितने मार्ग उनका बदले। ये सब हमारे और आपके ऊपर लागू है इस कलयुग में कि कभी ना कभी हम लोग उल्टे मार्ग पे थे तो कभी ना कभी ठीक मार्ग पे मिलना ही मिलना। और इसके बताइए कि भगवान उपाय क्या बताते हैं कि भगवान वहाँ पर पहुँचे हैं। वाल्मीकि की देखिए उल्टे मार्ग पे थे दूसरे को लूट करके अपने जीवन चलाते थे लेकिन बदल गए एक संत हो गए शिरोमणि हो गए कि भगवान जब आए तो चुन करके उनके यहाँ पर गए। कितने संत हैं वन में और कहते कि मुनिनाथ आप तो त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकाल यानी कि पहले क्या था अभी क्या हो रहा है भविष्य में क्या होने वाला कि भविष्य में क्या होने वाला तीनों दृष्टि से आप देख सकते हैं संसार में क्या होना। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए कि वरिष्मान और प्रभु रामचंद्र ऐसा कह करके फिर जिस प्रकार से रानी के वनवास हुए थे वो सब बातें बताए। पूछते तो थे सब लोग वन में कि आप क्यों वन में आए तो भगवान का यही उत्तर देता था कि सुनिए मैंने अपने पिताजी का आज्ञा से आए और दूसरे क्या कि माताजी का हित के लिए माताजी का भलाई इसमें यही था कि मैं वहाँ नहीं रहूँ। क्यों नहीं रहूँ क्योंकि मेरे छोटे भाई राजा होनेंगे और मुझे आपके दर्शन होना है। चार बातें यहाँ जोड़ दिए। पहला बताएं कि अपने पिताजी का आज्ञा से मैं निकला हूँ माताजी का भलाई के लिए निकला हूँ भरत जैसे भाई को अयोध्या सौंप करके आया हूँ और आप ऐसे संतों को दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ।
ये चार बातें यहाँ पर जोड़ देते हैं। वहां पर तुलसीदास जी ऐसे बताते कि ऐसा जगह पर रामचंद्र जी सहज सरल वाणी से सुन करके ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोलते कि धन्य है धन्य रघुकुल की ध्वज, आप ऐसा क्यों कह रहे। तो भगवान राम एक ही प्रश्न करते हैं वाल्मीकि से, वो है कि मैं कहाँ जाके रहूं, 14 वर्ष का समय अवधि मिला है मुझे, ऐसा धारण नहीं है 14 वर्ष, इस 14 वर्ष के अंदर मुझे अवध में से आया हूँ वन में, और वन में कहाँ रहूँ, किसी भी स्थान बताइए जहाँ मुझे रहना उचित है। चित्रकूट ठीक था, अयोध्या से थोड़े ही बाहर निकलते, ज़्यादा वन में आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान कितने कितने दूर भटके, कहाँ कहाँ गए। तो यहाँ वाल्मीकि जी उसको क्या बताते हैं कि भगवान चुन करके इनसे क्यों पूछे, क्योंकि भगवान चाहते उनके भक्त के भक्त जो पहले भगवान की भक्ति कर चुके हैं उनसे मुखार से सुने कि भगवान क्या क्या चाहते हैं संसार में हमसे और आप। तो भगवान से वाल्मीकि क्या कहेंगे कि किस स्थान पर भगवान रहते हैं, और कहने का अर्थ यही होगा जो भी उत्तर वाल्मीकि देंगे उसे अर्थ यही होता उसी उसी स्थान उस जगह पर अगर जो हम कर रहे हैं तो हम भगवान के भक्त कहलाने योग्य है। कैसे हैं हम चौपाइयों में सुने हैं, जग पे खन तुम देख निहारे राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धिवर, और उसमें चौपाई कैसे लेती है कि हे राम सुनिए। श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने, प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने, पूछत सकुचाए। तुलसीदास जी का वाणी है, कह रहे हैं कि वाल्मीकि जी कहते हैं राम भगवान से कि भगवान आप पूछ रहे कि मैं कहां रहूं, आप कहां रहे, आपने मुझसे पूछा है ऐसा बात क्यों, परंतु ये
आप पूछे सब कुछ आते भी नहीं कि आप कहाँ हैं, आप तो कहाँ नहीं हैं, इस बात को उत्तर देना चाहिए। भगवान सर्वव्यापी है, भगवान को जहाँ भी हम अनुभव करना चाहे, जहाँ भी ध्यान करें भगवान आते हैं वहाँ पर। श्रद्धा और भक्त से जब भी एक भक्त भगवान को पुकारते भगवान वहाँ पर रहते हैं। सचमुच में दिखाई मान नहीं, इसके मतलब नहीं कि भगवान नहीं है, सचमुच में दिखाई मान नहीं, लेकिन आपको सहायता करने के लिए भगवान रहते हैं। भगवान नहीं रहते तो हम सांस कैसे लेते, भगवान नहीं कैसे तो हम धरती पर कहाँ बैठे होते, भगवान नहीं होते तो सूर्य कहाँ निकलती, ऐसा ऐसा बात। तो यहाँ पर पूछ रहे भगवान राम से कि देखिए आप कहाँ नहीं है, आप तो सर्वव्यापी है, आप सभी स्थान पर है। लेकिन मुनि ने प्रेम से सने हुए वचन को सुनकर रामचंद्र जी को सकुचा करके मन में मुस्कुराए और वाल्मीकि जी हंस करके अमृत हुई मीठी वाणी बोलते हैं कि आपने पूछा है कि 14 वर्ष में मैं कहाँ रहूं, तो मैं 14 स्थान कहता हूँ आपको रहने के लिए। और उत्तम से उत्तम स्थान कहाँ पर भगवान को है, जहाँ पर भगवान रहते हैं, इसमें आप सुन लीजिए, इसको आप जीवन में उतार लीजिए, क्योंकि इसमें जो वाल्मीकि बतला रहे हैं और भगवान उनसे बुलवा रहे हैं, भगवान का अर्थ नहीं था कि भगवान स्वयं अपने मुख से कहे कि मैं कहाँ क्या चाहता हूँ भक्तों से, लेकिन भगवान यहाँ वाल्मीकि से बुलवा रहे हैं कि कहाँ पर आप क्या आप करते हैं जीवन में, तो उसमें समझना चाहिए कि आप भगवान के लिए भगवान के हिसाब से जी रहे हैं अथवा नहीं जी रहे। पहला कहाँ बताया कि राम जी सुनिए, अब मैं उस स्थान को बताता हूँ जहाँ आप सीता लक्ष्मण समेत निवास करें। कहाँ पर है, जिनके कान समंदर की तरह, कान समंदर की तरह। समंदर के अर्थ क्या होता है, इतनी गहराई है, इतनी विशाल है, समुद्र का गहराई कोई नहीं नाप सकता, समुद्र का लंबाई कितने हैं और कब कब क्या समुद्र करने, समुद्र के अंदर क्या क्या छुपी हुई किसी को नहीं पता। तो कहने का अर्थ है कि समुद्र की तरह किसी का कान हो, समुद्र में जितने भी जल डालते जाओ आप कभी भी समुद्र का बाहर नहीं आएगा, कभी ऐसे नहीं लगेगा आपको समुद्र से बाहर जला गया। तो समुद्र की तरह जिसका कान हो, कान से क्या करते हैं, सुनते ही है। तो जो निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी तृप्त नहीं होते, हर दिन प्रतिदिन आपका कथा, आपका गुणगान, आपका भजन, एक घड़ी आधी घड़ी, हम लोग नियम बनता है कि हर दिन प्रतिदिन हम कम से कम 12 मिनट सुबह 12 मिनट शाम को पूजा करें। 24 घंटा भगवान हमको देते हैं, 24 घंटा भगवान हमको देख रेख करते हैं, 24 घंटा हम उनसे वायु लेते हैं, धरती पर बैठे हैं, गर्मी मिलती है, वर्षा मिलती है, जल मिलती है, ये सब मिलने के बाद में 24 घंटा में लौटार करके भगवान को हम क्या दे सकते हैं, 24 मिनट कितने बड़े भगवान हमको देख करें, 24 घंटा वो हमको देखते, 24 मिनट हम कम से कम उनको तो याद करें। तो यही कहा जाता है एक घड़ी का अर्थ होता है 24 मिनट 24 मिनट। तो 12 मिनट सुबह लगा दो, 12 मिनट शाम, कम से कम इतना समय तो हर व्यक्ति निकाल ही सकता है। कुछ भी और भी आप कर रहे हैं 24 घंटे में से 23 घंटा उधर छोड़ दो, 24 मिनट तो इधर लगाना ही लगाना। तो यहाँ बता कि निरंतर भरते रहे कान में जितने भी कथा या भजन या भगवान का गुणगान, सुनते रहे, कभी आपको ऐसा ना लगे बस कथा अब बस बहुत हो गया कथा, कभी ऐसा मन में ना बैठे, ऐसा भक्त के हृदय में आप जाकर निवास करिए। राम जिन्होंने अपने नेत्रों से जातक बना रखा है और जो आपके दर्शन में के लिए सदा लड़े, जिसका आंख हमेशा ऐसे सोचता है अवसर मिल जाए कि मंदिर भवन स्थान भगवान को ढूंढने लगे, कब हम भगवान को फिर दर्शन कर लें। माना इस देश में अभी आपत्ति छाई हुई है धरती पर, जगह जगह पर कितने देशों में धरती ऐसे छाई हुई है कि लोग ऐसे शुभ बेला में भी रामघड़ी राम जन्म के सुख समय पर भी मंदिर नहीं पहुंच, प्राणी मंडली नहीं पहुंचे। लेकिन अपने घर में देखिए, अपने आसपास में देखिए, भगवान को अनुभव करिए जीवन में, तो बता रहे कि आपका मूर्ति को आपका रूप को कोई व्यक्ति हमेशा देखते रहे फिर भी उसका मन थके नहीं, ऐसा व्यक्ति के हृदय में जाकर निवास करिए राम। तथा जो भारी भारी नदियां समुद्र झलोकों से निरादर करते हुए अपने सौंदर्य से कि एक बूंद जल से सुखी नहीं जाती हैं, ऐसे हे रघुनाथ जी उन लोगों के हृदय में सुखदायी भवरों में से भाई लक्ष्मण सीता सहित निवास करिए। कि भगवान को जो प्रिय लगा उसी को लेकर के वन में आए हैं, लक्ष्मण और सीता सहित, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे, ना लक्ष्मण राम के बिना जी पाएंगे ना सीता राम के बिना जी पाएंगे। और ठीक ही ऐसे दोनों यश में आए कि तीनों के तीनों आप उनका हृदय में निवास करिए, जहां पर जिसका कान ऐसा हो, जिसका मुख कान ऐसा हो, जिसका आंख ऐसा हो जो आपके साथ में भक्ति में जुड़ी हो। आपका यश रूपी निर्बल मान सरोवर जिसके जीव हंसनी की तरह है और आपका गुण समरू तो मोतियों को चुगते हैं, राम जी आप उनका ही दिन, किसका, जिसका जीव ऐसा हो कि हर समय भगवान का नाम अपने मन में रहे। कितने लोग का आदत है
कि हर बार प्रति में जैसे ही सब पर सब समय फुर्सत मिलता है कि भगवान नाम लेते रहते, दुख के समय भी भगवान के नाम लेते, सुख में भी भगवान ही। जैसे सुदामा, सुदामा का कोई भी क्षण आपको खाली नहीं मिलेगा। सुदामा जब भी फुर्सत होता था बस श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण में लग जाए। ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में हो जाए, जिसका काम जिसका जिब्बा ऐसा हो कि हर समय फुर्सत है उस समय भगवान का नाम ही लेते रहे। यहाँ पे बताए जिसका नाक कैसा हो, जिसका नाक है प्रभु पवित्र और सुगंध पुष्पादि सुंदर प्रसाद नित्य, जो प्रसाद का सुगंध है, फूल अर्पण करने का सुगंध है, ऐसा व्यक्ति के जब नाक ललित रहे कि ऐसा फूलों को हम सुगंध लेंगे जो भगवान के चरणों में पड़ेगा, भगवान को भोग जब पड़ेगी उसका सुगंध हम लेंगे, ऐसा व्यक्ति का हृदय में, और जो आपके अर्पण करिए करके भोजन करते हैं। यहाँ सीधे सीधे लिखा है गीता में भगवान दो शब्द कहते हैं कि पत्रम फलम जलम त्वयम, यानी चार चीज से बना ही चूजे हमको अर्पण करें। हमेशा लोग हम लोग को प्रश्न करते कि कहाँ लिखा है कि शाकाहारी रहना चाहिए, तो यही उत्तर है गीता में कहते कि भगवान कहते हैं चार चीज़ें मुझे चाहिए, पत्ते से, फल से, फूल से अथवा जल से, दूध जोड़ दिया जाए, इन चार चीज़ें से ही भगवान को बनाया हुआ वस्तु भगवान को दिया जाए, फिर भगवान कहते बिना मुझको अर्पण करे कुछ खाए ना ही नहीं। तो सीधे सीधे बात है, जो भगवान हम कुछ खा भी रहे हैं और भगवान को नहीं दे रहे हैं तो फिर पाप का भागी। तो यहाँ बता रहे कि बिना आपको अर्पण करे जो भोजन नहीं करते हैं ऐसा व्यक्ति का हृदय में आप प्रसाद रूप और वस्त्र भूषण धारण करते हैं। कुछ हम नया वस्तु लाए भी तो नियम बनता है कि हर अब लाए जिस दिन लाए तो उस दिन भगवान के सामने सौंप दिया जाए, दूसरे दिन से उसको प्रयोग किया जाए। वस्त्र भी लाए हैं तो भगवान के सामने रख दीजिए, दूसरे दिन उसको लीजिए। यहाँ कह रहे हैं कि आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र भूषण भी धारण करते हैं, यानी कपड़े भी लाए नया तो भगवान को पहला अर्पण कर दिया। तो कौन कह रहा है, वाल्मीकि कह रहे हैं, भगवान को समझा रहे हैं। भगवान को कुछ अच्छा ना लगता तो भगवान बीच में बोलते कि ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पर जिनके मस्तक देवताओं गुरु ब्राह्मणों के सामने सिर झुकता हो, फिर भगवान पहले कान के विषय में कहें, आँख के विषय में कहें, जिह्वा के विषय में कहें, नाक के विषय में कहें, प्रसाद के विषय में कहें, फिर यहाँ बताए जिनका मस्तक यानी कि हमारे माथा अगर बड़े लोगों के सामने नहीं झुकता, अपने देवताओं के सामने कभी मंदिर में प्रवेश करे, कभी भगवान की मूर्ति दिखा जाए, भगवान के स्थान दे, मस्तक झुकाना ही झुकाना, हम लोग को हाथ जोड़ के प्रणाम करना ही, अपने गुरु दिखा जाए उनके सामने, ब्राह्मण दिखाया जाए उनके सामने, नर्मता के साथ प्रेम सहित तो झुकना चाहिए। ये नहीं कि बस आदत है सूर्य थोड़े से सिर झुकाना, सचमुच में श्रद्धा होना चाहिए उस सिर झुकाने में। एक चरणों की पूजा करे, और जिनके हृदय में रामचंद्र जी आप ही के भरोसा है, दूसरा कोई नहीं। भरोसा भी अच्छी चीज होती है कि हम कितने बार पूजा पाठ करते रहे लेकिन भरोसा नहीं होता है कि अचानक में कुछ दुर्घटना हो जाती है, फिर हम सोचते कि भगवान के भरोसा नहीं, हम हट जाते हैं। जीवन में आपत्ति तो आई है, राम के जीवन में कितनी बड़ी आपत्ति है, देखिए राम के जीवन में कितनी आपत्ति है, लेकिन फिर भी अपने मार्ग से नहीं हटे हैं। और यहाँ पर बता रहे कि जिसका भरोसा आप में अटूट है, कभी टूटने वाला नहीं, ऐसा व्यक्ति के हृदय में आप निवास करिए। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में जल चल कर आते हैं, हे राम, फिर बताते हैं तीर्थ में जाना कितना अनिवार्य। हम लोग हमेशा कहते हैं कि पूजा पाठ कर लेना एक बात है, भगवान के भक्ति पाना जीवन में तो पहला चीज है कि आप पूजा पाठ करें, मूर्तियों की सेवा करें, कोई एक मूर्ति को हर दिन प्रतिदिन। गीता भी यही कहती है, भगवान यहाँ पर भगवान भी सुन रहे हैं बात को, कि गीता भी कहती है कि पहला कदम है भगवान का पूजा पाठ। पूजा पाठ से आगे जब पूजा पाठ भक्ति में बदल जाएगी, पूजा पाठ कर लेना कि नहीं अर्थ है भगवान के भगत बन गए। पूजा पाठ तो कोई भी कर सकता है, बेदिल से भी कर सकता है, इसके मतलब थोड़ो कि वो भगत बन गया, लेकिन पूजा पाठ करते करते आप भगवान को भक्त बनना है तो कैसे करेंगे। पहला है मूर्ति की सेवा, कोई एक मूर्ति को अपनानी चाहे, गणेश जी हो, शिव जी हो, माता रानी हो, भगवान राम हो, कैसे भी, उनको हर दिन प्रतिदिन उनको स्नान कराए, उनको ये वस्तु अर्पण करे, चंदन हो, फूल हो, फल हो, प्रसाद हो, निवेद हो, अगरबत्ती, धूप, दीप, जो भी हो सका, ये पहला कदम है भगवान का भक्ति प्राप्त करने के लिए। दूसरे क्या होता है, भगवान के नाम से उपवास करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, हफ्ते में एक दिन नहीं हो पाए तो दो हफ्ते में एकादशी, त्रयोदशी, गणेश चतुर्थी ऐसे व्रत आती है, ये नहीं हो पाए तो कम से कम महीने में एक दिन तो सभी को व्रत रखना ही रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जो पूरन तिथि होता है उस दिन तो सभी को कर ही लेना चाहिए व्रत। तो ऐसा भी करने के पहला होता है कि भगवान मूर्ति की सेवा, फिर भगवान का व्रत, भगवान के नाम से व्रत रखना,
तीसरा जो कदम होता है कि भगवान का कथाओं को सुन श्रवण करना, जो भी है जीवन चरित्र जहाँ भगवान के लिखा है, चाहे रामायण हो या गीता हो, 18 पुराण हो, इसको श्रवण करना, अन्यथा चालीसा है ये, इसको पाठ करना, मंत्र जाप करना, ये तीसरा कदम है। और चौथा है अगर जो ये तीनों जगह आपको निपुण होगा, भक्ति का गढ़ा यहाँ तक भरते भरते जाएगा कि मूर्ति की सेवा इतने तक हो गई और इतने करते करते पूर्ण आपका इकट्ठा हो गया, और इतने व्रत करते करते पूर्ण इकट्ठा हो गया, इतने कथा सुनते सुनते इकट्ठा हो गए, तब अपने आप से आपको मन जागृत होगा कि कभी न कभी हमको जाकर तीर्थ यात्रा भी कर लेना चाहिए। तो व्यक्ति जब तीर्थ भी कर लेते तो समझना चारों भाग भक्ति का कर्ण ले रहे हैं। यहाँ पर कहें कि राम स्वरूप आपके उनमें है, निवास कीजिए जिनका नित्य है, और मंत्र राज के जपते परिवार सहित आपका पूजा करता है। फिर कहते हैं कि पूजा भी करना चाहिए तो परिवार सहित करना चाहिए, परिवार सहित, कोई उसमें छूटे ना, कोई और पूजा कर रहा है दूसरा घर में, कोई और सज्जन परिवार जो है दूसरे कुछ और भी कर रहे हैं जो पूजा का विरुद्ध है, तो ठीक बात नहीं पड़ेगी। भगवान यहाँ मांग किए हैं, वाल्मीकि से पूछे हैं कि आप बताइए कहाँ मैं रहूँ, तो वाल्मीकि बता रहे हैं कि भगवान आप ऐसा व्यक्ति ऐसा परिवार के मन में निवास करें जिस परिवार मिल करके पूजा करते हैं। कैसे, मंत्र राजू नित्य जप ही तुम्हारा पूज ही तुम्हें सहित परिवार, परिवार सहित जो पूजन करता ऐसा व्यक्ति का हृदय में जो अनेकों प्रकार के तर्पण और हवन करते हैं, जैसे अवसर मिल गए तो हवन पूजा करना ही करना। अभी ऐसा आपत्ति छाई हुई है तो लोग ज्यादा से ज्यादा हवन पूजा नियम में लगते हैं कि कम से कम आपत्ति हमको ना लगे। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान को दुख दूर करने के लिए पूजा करना चाहिए, भगवान को पूजा करना चाहिए क्योंकि हमारे कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य होने के नाते हमको यही करना तो उचित है, इसी कारण तो हम धरती पर आए हैं कि भगवान का भक्ति है। तो यहाँ बता रही कि जो अनेक प्रकार के तर्पण और हवन करते रहते हैं, कि अवसर मिला कि हवन पूजा विधि में भाग लेने के लिए, साल में एक बार तो बनता ही बनता, फिर त्योहार आया तो सहारा लेकर के हवन पूजन कर ले, और तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान दे दे, तथा गुरुजनों को हृदय से आपसे भी अधिक बड़ा जान करके स्वर स्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करना। यहाँ पर वाल्मीकि जी इतना कह दिए कि समझते हैं कि राम तो सबके घर घर नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन जो गुरु हैं और राम को समझ लिए हैं और राम के जीवन में अपने उतार लिए हैं, राम के हिसाब से आपको ज्ञान दे दिए हैं, तो उसको भी आदर उतने ही देना। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते कि रामचंद्र जी के चरण हमारी प्रीति हो। उन लोगों को मन रूपी मंदिरों में सीता जी रघुकुल आनंदित करने वाले आप दोनों बस के, कि जिसका जा करके जो मन में यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में बस कुछ भी नहीं, राम ही राम ही राम है, भगवान ही भगवान ही भगवान ही, सब कुछ एक ना एक दिन अंत होने वाला, ये भगवान का भक्ति कभी अंत नहीं होने वाला, जो व्यक्ति ऐसा समझते और वैसे मार्ग पर चलते हैं, ऐसा व्यक्ति का हृदय में आप जाकर निवास के, जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह, ना लोभ और ना क्षोम है और ना राग है, ना द्वेष है, ना कपट है, दम और माया है रघुनाथ, आप उनके हृदय में, यानी कि लालच करना ठीक नहीं, जो भाग में हो तो मिलेगा ही। हमारे गुरु जी कहते थे हमेशा कि देखिए आपको जो भाग में हो मिलेगा ही, लालची नहीं करना, जो नहीं है सो नहीं है, आपको जरूरी है जीवन में, लेकिन अभी भगवान देने की योग नहीं, तुम्हारे कर्म और पुण्य जाप साथ जोड़ करके देने के तैयार नहीं तो नहीं मिलेगा, जब मिलना है तो मिल ही जाएगा बिना मांगे ही। भगवान से क्यों मांगना, भगवान से कुछ भी एक मांगना तो एक ही चीज मांगना, भगवान का भक्ति। तो यहाँ बता रहे आप उनके हृदय में जाकर निवास करिए, जो व्यक्ति के जीवन में कपट नहीं है और लालच नहीं है और राग नहीं है और एक प्रकार से दम्भ और माया भी नहीं फंसे हैं, जो ही सोचते हैं कि हमारे जीवन भक्ति में जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले, कभी किसी को हानि नहीं करना और सबके हित यानी सबके लिए जो भी कुछ कर सके किसी के लिए तो भला ही करे, अन्यथा कुछ ना करे, सबके लिए प्रिय और सबका हित करने वाले, जिसे जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, कोई व्यक्ति तुम्हारा बढ़ाई करे या तो बुराई करे तुम्हें असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बढ़ाई और बुराई ये तो भगवान बताते कि हमारी बस की बात है। गीता में अर्जुन को भगवान समझाते, इधर भरत को गुरु वशिष्ठ ने समझाया यही बातों की यश अपयश यानी कि बढ़ाई और बुराई तुम्हारी बस की बात नहीं है, ये तो समाज में होता ही रहेगा और तुम बस यही अपना कर्तव्य और कर्म करते चलो। यहाँ पर बता रहे कि और निंद समान जो विचार करके सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जागते सोते आपका शरण में है। रात्रि को सोने से पहले भगवान का नाम लिया, सुबह होते ही
हाथ पसार करके जैसे विभीषण के चरित्र हम लोग आने वाले दिनों में सुनेंगे। विभीषण हनुमान जी कैसे पहचाने विभीषण को कि भक्त हैं, क्योंकि विभीषण सुबह रात को सोते हुए सुबह जब उठते हैं हनुमान जी छिप करके बाहर से देखते थे तो देखते क्या कि विभीषण ने उठे हैं तो पहले अपने नाक की तरफ देखते हैं कि कौन सा नाक चल रहा है। जिस नाक चलता उस पैर को धरती पर पहले रखें, हाथ पसार करके मंत्र बले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कल मूले सिद्धो ब्रह्मा क्राते कर दर्शनम, और अथवा जो भी मंत्र आता है आपको बोले ये तो भगवान राम का श्री राम जय राम जय जय राम, यह सिर्फ राम ही पर्याप्त है। इतना बोल करके आप सुबह से आगे और आगे बताते कि सोने से पहले भी भगवान का नाम लेकर के ही ऐसे जागते सोते आपकी शरण में और आपकी छोड़ करके जिनकी दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है राम जी आप उनके मन में जाकर निवास करें। ऐसा व्यक्ति को मन आप छीन लीजिए। कृष्ण से जब गीता में पूछा जाता है कि भगवान सबसे बड़ा वस्तु कोई व्यक्ति क्या दे सकता है, अर्जुन ने यही प्रश्न किया भगवान तुम्हारे लिए सबसे प्रिय क्या है, व्यक्ति से एक भक्त से एक सज्जन से आपको क्या चाहते हो सबसे। अर्जुन ने सोचा कि भगवान चाहिए शायद कहेंगे कि मुझे तुलसी पत्र प्रिय है, प्रिय पीले रंग का फूल प्रिय है, ऐसे कोई संसारिक वस्तु कहते। भगवान ने कहा कि मैं किसी व्यक्ति से कुछ चाहता हूं तो उनका मन, क्योंकि मन जहां लग जाता है वहां पर तो हम खींचे ही जाएंगे, और मन जब जाएंगे तो फिर यहाँ भगवान कहते आपके आप उनके मन में बसिए जो पराए स्त्रियों को जन्म देने वाले माताओं को समान देखते हैं। जैसे माँ हमारी जग जननी है, जैसे माँ हमारी जननी है, वैसे पराए स्त्री भी आपको जीवन में लगे, और पराए धन जिनको विश्व के बेधारी तो धन तुम्हारे भाग का नहीं है, दूसरे का है, तुम्हारी कमाई का नहीं है तो तुम्हारे हिस्सा का नहीं है, और जो पराए धन है जिन्हें विष यानी कि जहर की तरह लगे, आपके पास पराए धन रखे हैं किसी के दिया है पराए धन लेकिन तुम्हारे स्वयं का कमाई नहीं है, और तो समझना वो विष की तरह जहर की तरह आपके पास रहे ऐसा समझना चाहिए। विष भी भारी विष बनवाते हैं, जो दूसरे संपत्ति देखकर हर्षित होते, जो कोई खुशी हो, जो कोई आगे बढ़ रहा है, तुम्हारे देखते देखते कोई आगे बढ़ रहा उसमें देख करके खुशी होना चाहिए, वाल्मीकि जी समझा रहे राम से, और हर्षित होते दूसरे विपत्ति को देखकर विशेष रूप से, कोई दुख में है तो दुख सहायक रहिए। और हे राम जी सुनिए, आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन में आप रहने योग्य हैं, हे तात जिनकी स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं, जो सब कुछ सोच देते हैं कि राम ही हमारे जीवन में है, और उनकी मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास करिए। ऐसे वाल्मीकि की कहानी है। एक भजन हम सुनते हैं कि ऐसा वाल्मीकि जी समझा रहे हैं, वाल्मीकि मांग रहे हैं भगवान से कि भगवान पूछे कि हमें किस स्थान पर रखें अवगुणों को दूर करने के लिए और गुणों को ग्रहण करने के लिए, ब्राह्मणों और गौ के लिए संकट रहते वाले, और ऐसे ऐसे बहुत सारे स्थान इस प्रकार से भगवान बताएं, फिर संत और असंत के पीछे बताएं कैसे एक संत को पहचाना चाहे, ये सब बातें को जोड़ करके वाल्मीकि ही बने हैं अयोध्या कांड में, जो भगवान राम को ऐसे जगह भगवान भी चुन करके ऐसे ही संत से पूछे और ऐसे ही लिखा गया रामायण में। ये पूछना और बोलना और लिखना जाना ये सब हमारे लिए ही लाभ की बात है, क्योंकि ऐसे ही हम लोग भगवान के बारे में समझ जाएंगे। ऐसे हम नहीं कभी कहा हम पूजा करते रहते समझ नहीं पाते कि हम सचमुच में ठीक मार्ग पर है कि नहीं, तो ये सारे जो 14 स्थान भगवान सुने हैं वाल्मीकि से और भगवान ही सुने हैं साथ साथ में लिखा गया, तो अर्थ यही है कि भगवान यही आशा हमसे रखते हैं, भगवान यही आशा रखते हैं हमसे कि ऐसे हम रहें, छल कपट ना हो, भगवान को मान सम्मान दे, सारे वर्तों को ध्यान रखें, नियमों को ध्यान रखें, धर्म को अपने साथ में लेकर चलें, तो इसी प्रकार से हमारे जीवन कल्याण में होली। एक भजन सुनते हैं श्रोताओं, फिर कथा आगे देखते हैं, अयोध्या कांड से हम अरण्य कांड तक कैसे पहुँचते हैं। सबकी तो बिगड़ी बदाया हमारे सुधी का है भुलाया, सबकी तो बिगड़ी
पर वाल्मीकि कह रहे कि जाति पाति धन धर्म बढ़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाले घर सबको छोड़कर के जो केवल आपके हृदय में धारण किया रहता है, हे रघुनाथ जी आप ऐसा व्यक्ति का हृदय में निवास करें। तो आप चुन लीजिए, ये जितने लक्षण भगवान सुने हैं कि कैसे जगह पर भगवान को रहना है, भगवान रहते हैं और भगवान क्या क्या आशा रखते हैं एक भक्त से, तो सारे लिखे हुए। स्वर्ग का किसी का इच्छा नहीं हो, नरक और मोक्ष किसी का असर नहीं पड़ता, बस सिर्फ भगवान का भक्ति ही करते रहें। और किसी जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है और आपके उन मन से निरंतर निवास कीजिए, आप इनका आपका घर समझने की, ऐसा व्यक्ति का हृदय ही आपका घर है भगवान। क्योंकि भक्ति भावना ऐसा हमारे जीवन में रहे, ये कोई हर दिन प्रतिदिन करने वाला है कि हर दिन प्रतिदिन हमको करना चाहिए। जैसे भोजन करने के बिना जीवन नहीं चलती है, वायु लेने के बिना हम जीवन नहीं चला पाते हैं, सोने के बिना एक दिन से दूसरे दिन नहीं देख पाएंगे, वैसे ही भगवान को पूजा भक्ति भी समझना चाहिए। वाल्मीकि कहने का अर्थ यही है कि पूजा पाठ भक्ति कोई पार्ट टाइम वाले वस्तु नहीं है, उसको हर दिन प्रतिदिन करना चाहिए। 24 मिनट मैंने कहा कम से कम व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को कम से कम निकालना ही चाहिए, चाहे भजन चाहे पाठ चाहे मूर्ति सेवा मंत्र जाप, कोई मंत्र नहीं है तो सिर्फ गीता कही थी सबसे सरल मंत्र तो ओम है, रामायण कही थी सबसे सरल मंत्र राम है, वाल्मीकि यहाँ साक्षी है इस मंत्र को साले। ऐसा इस प्रकार का मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि चीज जब भगवान राम सुने कि ये 14 स्थान है जहाँ वाल्मीकि कह रहे हैं, और वाल्मीकि कहते हैं हजारों वर्ष यहाँ पर जी करके अनुभव किए हैं, और कहते हैं कि रामचंद्र जी कहे उनके प्रेम पूर्व वचन सुन करके राम जी मन को अच्छा लगा। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, फिर मुनि ने कहा कि सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं समय के लिए सुखदायक आश्रम बता दो। अभी तक भगवान को कहाँ रहना चाहिए उस बातें को बताए, कहने गढ़ते हैं कि भक्त जो भी भक्त अपने आप को कहलाता है, जो भी भगवान को प्रिय हैं और उस स्थान पर भगवान जाकर निवास करेंगे, तो ऐसे ऐसे क्वालिटीज हमारे में गुण में हैं, तो भगवान आपके पास है और भगवान जैसे चाहते हम वैसे हैं। लेकिन चित्रकूट ऐसा स्थान भगवान को वाल्मीकि जी दिए गए कि इस स्थान पर आप निवास करिए। कहाँ पर, चित्रकूट पर्वत पर निवास करिए, जो वहाँ पर आपके लिए सब प्रकार की सुविधा होगा। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, हाथी सिंह हिरण और पक्षियों के विस्तार है, ये कुछ कुछ जानवर जो एक साथ नहीं रहते हैं, लेकिन इस स्थान पर चित्रकूट में जरूर आपको दिखा। आज भी चित्रकूट स्थान उसी तरह से अनुभव तो नहीं है कि जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन वो मंदाकिनी नदी और हनुमान धारा 108 कदम पर चढ़ करके आपको पहाड़ पर पहुंचना, जहां पर सीता जी का रसोईया सप्तऋषि को भोजन कराते थे, आज भी वैसे कर सजा करके रखा गया है, और बहुत सारे देखनीय योग चित्रकूट हैं। ऐसे भगवान की भक्ति करते करते कभी आप तीर्थ में निकले तो ये जरूर स्थान पर। कुछ कुछ ऐसे स्थान हैं भारत में, नेपाल में, जो आज भी रामराज से लेकर के त्रेता युग के बीच में द्वापर युग आई, द्वापर से अभी हम कलयुग में चल रहे हैं, कि आज भी उसको प्रिजर्व कर करके सुरक्षित रखे हैं भक्तजन। पहला है कि सरजू नदी, जहाँ हर दिन प्रतिदिन भगवान को स्नान कर भगवान का अयोध्या में रहे तो हर दिन प्रतिदिन सरजू में स्नान होता ही होना। वो सरजू नदी जहाँ पर अंत वेला भी भगवान राम का था, अंत में भगवान जाकर कहाँ पर अपने पूरा जीवन लीला जब समाप्त किए, 11,000 वर्ष भगवान ने, भगवान राम का राज आकर अयोध्या में होगा, लेकिन उस समय बीतने के बाद में भगवान जब अंतिम अपने धाम जाएंगे तो सरजू नदी के माध्यम से ही जाएंगे। सरजू नदी में अपना शरीर भगवान अंतिम दिखाई करें, फिर वापस चले गए अपने लोगों साथ के धाम। तो सरजू नदी उस समय से आज भी है, और क्या है हमारे बीच में, आस्तरिक भगवान के हाथ से एक शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा हुई रामेश्वरम धाम, जहाँ पर है दक्षिण में तमिलनाडु में है, वो भी आज भी देखने योग है, वो भी सुरक्षित वैसे ही रखा गया, आज भी उसको देखने योग, उसको देखने के दर्शन करने से पहले समुद्र है वहाँ पर, जहाँ पर सेतु बांधा गया था, और वहाँ पर स्नान करके 22 कुआओं को जल के स्नान करके फिर वो रामेश्वर धाम को दर्शन मिलता है, और ऐसे भी वो भी आस्तरिक सुरक्षित रखा गया। तीसरे स्थान क्या है, और धनुष जो भगवान के हाथ से टूटी थी, उस दिन हम लोग सीता स्वयंवर की कथा में सुने थे, और धनुष का एक टुकड़े आज भी नेपाल में पड़ी है जहाँ पर भगवान के हाथ से उठी थी, और वो भाग धनुआ धाम धनुषा धाम उस स्थान पर नाम दिया गया है, जहाँ का आसपास में एक रुद्रास का वृक्ष है, और वो धीरे धीरे धनुष का ऐसा महानता है कि आज तक धीरे धीरे एक एक
एक एक छड़ी बढ़ते जा रही, ऐसा मानता है वहां को लोगों की कि एक समय ये धनुष बाण बढ़ते बढ़ते पूरे आकार में आ जाएगा, जिस रूप का रूप में पूरा धनुष बाण था। जब ऐसा हो जाएगा तो महापर्वले के समय, खैर वहां का लोग कैसे विश्वास, लेकिन तीन चीजें, तीन जगह ऐसे है तीर्थ का जो आज भी रामलीला के समय से लेकर अभी भी हमारे बीच में है। वो क्या है? सरजू नदी, रामेश्वरम धाम और धनुष का एक भाग जो आज भी नेपाल में पड़ी है। कथा बहुत विस्तार है श्रोताओं, अयोध्या का अयोध्या कांड के माध्यम से आपको हम सुना रहे हैं। अयोध्या कांड में अयोध्या के विषय में बहुत कुछ लिखा गया, अयोध्या वासियों के ऊपर कैसे असर पड़ रहा है भगवान राम को निकलना। कल हम लोग सुने थे कि भरत अपने अवध वासियों को समझा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर चले रहे हैं। उर्मिला एक मात्र विशेष नारी छूट जाती है जाने की, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है, जिसको भरत समझाते हैं कि भाभी आप रुकिए, मैं जरूर लक्ष्मण को वापस लाऊंगा। और शेष लोग सभी सब साथ में जाते हैं। उस बेला वहां पर पहुंचते हैं जहां पर भरत मिलेंगे अपने अवधवासियों के साथ में, और उधर लक्ष्मण और ससाथ में भगवान राम और सीता थे ही। पहला दिन तो बात ऐसा होता है कि क्यों आए, तो बात ये उठा कि आपको वापस ले जाना है। दूसरी तरफ ये बात भगवान जब दूसरे दिन नहीं स्वीकार करते हैं तो सौंपते हैं किसको, इस बात को फैसला करने के लिए राजा जनक को, जो दोनों का ससुर लगता है। और वहां पर राजा जनक बताए कि आप देखिए भरत का बात निर्णय लिया जाए, कि भरत कह रहे हैं कि राम को वापस अयोध्या लौटना है, वो बात को मानता देना चाहिए, अथवा भगवान राम का, भगवान राम कह रहे हैं कि देखिए वनवास मिले हैं तो फिर आना ही मुझे पड़ा। तो यहाँ पर भरत अपने बयान में कहते हैं कि भगवान जब किसी को अयोध्या वन में रहना ही है तो मैं रह जाता हूँ, एक बेटा आकर रह जाते हैं। और बताते कि किसी को वन में रहना, मैं रहता हूँ, आप अयोध्या लौट जाइए। इतनी अटूट प्रेम है भरत का मन से भगवान राम का। तो भगवान राम उस समय सुनते हैं। उधर केकई माता कहती कि बेटे जो हमने वरदान मांगे थे हम वापस ले रहे हैं, वरदान वापस ले रहे कि आपको वन में नहीं रहना, आप वापस लौट आइए, आप ही राजा बने। भगवान राम कहते कि भैया क्षमा करना, ये बात आपको और पिताजी के बीच में था, मैं तो नहीं था वहाँ पे, ना आप उस समय मुझसे पूछ करके निर्णय लिए थे, लेकिन निर्णय ले लिए हैं जैसे ही पिताजी की आज्ञा था अंतिम, तो वही को तो मैं पालन कर रहा हूँ, पितृ आज्ञा और लेकर के मैं तो चल रहा हूँ। भरत की तरफ देखते हैं कि भरत देखिए आज्ञा पिताजी का यही था कि मैं वन में रहूँ, आपको नहीं, आपको तो राज जगह पर रहना चाहिए, अयोध्या का राज करना राज चाहिए। बहुत सारे बात, अंतिम में राजा जनक यही फैसला लेते कि देखिए भरत का इसमें जीत है। मैंने कहा था पहले दिनों में कि रामायण में किसी ने राम को पछाड़ा है, कहीं राम पे विजय प्राप्त की तो भरत ने, यहाँ राजा जनक कह देते कि भरत आपका जीत है इसमें, आपका जीत इस प्रकार से कि आपका प्रेम इतने बड़े हैं कि प्रेम के आगे सबसे बदल के सबसे ऊंची है ना, सबसे ऊंची यही बताया जाता है कि प्रेम आपका इतना श्रद्धा है कि राम की आगे आपको झुकना पड़ेगा। लेकिन प्रेम करने वाले के एक नियम है कि जिससे प्रेम करें उससे आशा ना रखें कि वो हमारे लिए क्या करें, ऐसा सोचना चाहिए कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं। तो आप चले जाइए, राम जी से पूछिए कि राम क्या चाहते हैं। सरल भाषा में भरत समझ जाते हैं कि बात यही है कि राम की तो इच्छा पहले से पता लग गया, लेकिन जैसे ही बैठते हैं उनके चरण में तो भगवान राम भरत से कहते हैं कि भैया जो राज आप मुझे सौंपने आए और राज मुझे स्वीकार है। सब लोग बड़ा हर्षित हो गए कि अरे राम स्वीकार कर लिए, यही बात के लिए तो हम सब लोग आए थे। लक्ष्मण भी हर्षित होते, सीता भी हर्षित होते, लेकिन ये शब्द बड़ा गड़बड़ जहाँ आ जाती है, लेकिन सब बातों को छोड़कर बीच में लेकिन आ गई। और बता दिए कि परंतु ये बात कि पिताजी का बात भी फिक्र ना पड़े, पिताजी तो यही चाहते थे कि हमें वन में रहो। भरत आज हम माँ पिताजी का बात नहीं मानेंगे ना तो कल हम देवताओं के सामने हाथ जोड़ेंगे, देवताओं थूकेंगे। ये भरत, ये राम जो अपने माँ पिताजी की बात नहीं मान पा रहे और आज हमारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे हमारे जीवन में बितानी है जो हम अपने माँ पिताजी को आदर नहीं दे पाए तो भगवान की विनती पूजन करने के क्या अर्थ। पहला गुरु तो यही कहा जाता है, मार्गदर्शन यही दिखाने वाले, इनका हम आदर नहीं दे पाए, इनका दुख के बेला में खड़े नहीं हो पाए। राम भगवान यही कह रहे हैं भरत से कि अंतिम इच्छा तो इनका यही था पिताजी का कि मैं वन में रहूं, एक नहीं दो नहीं 14 के 14 वर्ष पूरे
और ये हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम पिताजी का धोखा दे रहे हैं। और इसमें ये ठीक नहीं, तो भगवत भरत आपके बात भी मैं स्वीकार करता हूँ, राजा बनूंगा मैं, राज स्वीकार आपसे लेऊंगा, लेकिन मेरे आगे बात माने कि आप जाकर 14 वर्ष तक जरूर अयोध्या का राज को संभाले। तो फिर भरत कहते हैं कि भगवान कुछ मैं आप मांगूंगा आप देंगे? बोले कि हाँ, प्राण देने के लिए तैयार, मांगिए तो सही, लेकिन बस यही शर्त है अयोध्या नहीं जा पाऊंगा इस समय, 14 वर्ष बाद आऊंगा। तो बताएं कि आपसे मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए? कि आपका चरण पादुका चाहिए। भरत ने भगवान राम ने सोचा कि चरण पादुका लेंगे तो यहाँ से अभी तक भरत पैदल आए हैं, नंगे पांव आए हैं, तो हो सकता है भरत इसको अब सहारा लेके, कि अब राजा को पद में ही दे दिया हूं इनको, तो अभी पैर करके यहाँ से सज धज के जाएंगे राजा जैसा अयोध्या वापस लौटेंगे। लेकिन भरत ने उल्टा कर दिया। भरत ने क्या किया, उस चरण पादुका को अपने मुकुट बना लिया, सर पर रख करके बोले कि आज से ये चरण पादुका क्या है, राम और सीता समझना मेरे साथ में वापस लौट रही है अयोध्या। और ऐसे लेकर के भरत वापस चलते हैं अयोध्या की तरफ। कौशल्या मैया केकई अंतिम रात्रि में जब सब थे, सीता मैया जाती है, तीनों माताएं को सेवा करती है, कोई किसी से भेद नहीं रखी कि केकई ने हमको वन में भेजा तो उनका नहीं। कौशल्या के साथ में, सुमित्रा के साथ में समय बिताती है, उनको चरण स्पर्श करने के लिए है। तीनों निवेदन करते थोड़ा देर जग राजा जनक के साथ में बैठ लीजिए, माँ सुनैना उनके पास जाती हैं और माँ सुनैना और जनक जी यही बताते हैं कि बेटी हमारी बड़ी गर्व है कि आपके, कि हमारे कुल में जन्मे, आज आपने हमारे दोनों कुल को पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। बेटी जिस कुल में आप जन्मे हैं और जिस कुल में गए हैं इस कुल का भी, कि आपका देख गंगा तो सिर्फ जहां पर बहती है जो लोग स्पर्श करेंगे जो स्नान करेंगे उन्हीं का लाभ है, लेकिन आप तो गंगा से भी महान निकली। कैसे महान निकली? क्योंकि आपका चरित्र, आपके विषय में कथा लोग देश विदेश में श्रवण करेंगे, तो जहां जहां भी सुनेंगे और आपके जीवन चरित्र जैसे आप किए हैं वैसे लोग करने लगेंगे, तो आपका चरित्र के विषय में क्या कहें। तो राजा जनक कहते कि बड़ी भाग की बात है कि आप हमारी पुत्री, हमारे आपके जैसा हमारी पुत्री हुए, कि हमारे दोनों कुल को आप तारने वाले। फिर राजा जनक निवेदन, सीता जी थोड़े बाद निवेदन करती कि पिताजी अब मुझे जाना पड़ेगा तीन माताओं के पास। माँ सुनैना कहती कि माँ कि बेटी क्या फर्क पड़ता, सब लोग वन में तो है ही, आज रात हमारे साथ ही गुजारा कर लिए, अंतिम रात्रि कल हम इधर चलेंगे, आप वन में आगे बढ़ो। तो सीता जी कहती कि क्षमा करना माँ, आप ही ने तो, पिताजी ने ही तो, आप दोनों तो यही सिखाए थे कि आज के बाद में कहीं मुझे रहना है तो भगवान राम के साथ, पति देवता उनके साथ ही रहना है, वन में चाहे हो, दुख की बेला हो, सुख की बेला हो, जितने हर्षित बेला हो, लेकिन आज के बाद में कहीं मुझे रात गुजारना है तो अपने पति के साथ, तो मैं निकलती हूँ। वहाँ फिर हर्षित होते हैं दोनों, माँ जननी और राजा जनक, कि ऐसा भाग था कि हमारी ऐसा सीता जी की पुत्री, सीता जैसी पुत्री मिली। वहाँ पर दूसरे दिन जब सब लौटते हैं, भरत जो राजा तिलक करने के सामान लेके आए थे, तो वहीं पर एक कुप है, वहाँ पे सब डाल देते हैं और तो तैयारी करते हैं जाने के लिए। कौशल्या मैया आखिरी बार आखिरी निकलती हैं, एक बार मुड़ करके भगवान राम अपने बेटे की तरफ कहती है कि बेटे आपने अपने मीठे मीठे बातों में सभी को समझा दिया, भरमा दिया, हम लोग मान करके आपके बातों को लेकर ही जा रहे हैं अयोध्या में, लेकिन एक ना बात ख्याल रखना कि 14 वर्ष में ना एक दिन भी ज़्यादा हुई, 14 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा हुई तो इस कौशल्या का आप लाश पाओगे, शरीर और प्राण अलग हो जाएंगे बेटे, अगर तो 14 वर्ष से एक दिन भी आप ज़्यादा किया लौटने में। ऐसा दशा हुई। अयोध्या कहानी ने माम इसको पढ़ा कि अयोध्या वासियों को क्या दशा बीती है इस रामायण के अंतर्गत। आगे भगवान भरत जब पहुँचे हैं अयोध्या में तो क्या करते हैं, कथा सभी को ज्ञात है, लेकिन संक्षेप में कह रहा हूँ। सरजू नदी पर जाकर सोचे कि मेरा निवास यहाँ है, कैसे रहना तो चाहिए राजमहल में, भगवान राम भी बतलाए, लेकिन मेरे राजा तो रहूंगा लेकिन राजा जैसा नहीं रहूंगा, राजा का सारे कर्तव्य को पालन करूंगा लेकिन राजा के जैसा सुख नहीं भोगने का राजमहल में नहीं रहूंगा। कहाँ रहेंगे? सरजू किनारे नंदीग्राम है, वहां पर बताया कि जमीन खोद करके नीचे सोएंगे। भगवान राम जब 14 वर्ष जमीन पे सो रहे हैं तो मैं तो उनका दास हूँ, मैं तो उनसे छोटे हूँ, मैं जमीन से भी नीचे सोऊंगा।
और वहीं पर हर दिन प्रतिदिन जो चरण पादुका लेके गए राम भगवान का, उसी को रखते कि यही हमारा सीता, यही हमारा राम है, उस पे हर दिन प्रतिदिन दो फूल चढ़ा करके जो भी आज्ञा मिलती थी भगवान से प्रार्थना करते थे, वही आज्ञा अनुसार राज पूरे राज को संवारे हैं। उधर कौशल्या मैया हर दिन प्रतिदिन अपने एक चटाई बिछा करके राम जी के कमरे के बाहर सोती है 14 वर्ष। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी एक दिया जला कर बैठी है कि ये दिया और अखंड ज्योति, ये दिया 14 वर्ष तक जलती रहे, हमारे पति को कोई आपत्ति ना आए, कोई आपत्ति नहीं आए, और ऐसे ही हमारे पति सुरक्षित वापस लौट आए। जितने भी आपत्ति आई, संजीवनी बूटी आएगी, कैसे कैसे लक्ष्मण का रक्षा होगा, लेकिन ये ज्योत जला करके जो पत्नी अपने पति के लिए रक्षा हेतु बैठी, वो बात अलग है, उसका पुण्य अलग है। और यहाँ पर आगे जब बढ़ते हैं, भगवान राम कथा सभी को मालूम है युद्ध छिड़ने के समय है, आखिरी 12 से लेकर के 13 वर्ष के समय निकलने जा रहा है चित्रकूट में, और भगवान आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर सीता हरण का चरित आती है। इसको संक्षेप में आप समझ लीजिए कि सीता हरण के बाद में भगवान सीता जी से पहले निवेदन कर देते हैं कि अग्निदेव आएंगे, आपको अपने शरण में ले लेंगे, आपको एक मायावी रूप बना करके हमारे साथ रहेंगे, जब तक ये हरण वाली क्रिया ना हो जाए, ये क्रिया हो जाएगी तब आप चले जाओगे एक रूप बनाकर, मायू रूप बनाकर के जहाँ रावण का लंका में, उस पर मैं आकर के फिर आपको सहायता करके निकालूंगा, क्योंकि रावण ही मुख्य शेष। इस बीच में भगवान बहुत सारे राक्षसों को वध भी किए हैं, और सारे संतों के भी दर्शन किए हैं। ये सब करते कराते जब सीता जी का हरण हो जाती, सुपने का बीच में आती है, उनको पहले भगवान राम के ऊपर लपकती है और फिर इधर लक्ष्मण के तरफ पहुंचती, तो लक्ष्मण ने उनको नाक काट देते हैं, सूचना रावण तेलिपटी, रावण मरीची को भेजते हैं, उसको प्रकार करके मरी के रूप धारण करके भगवान राम उसके पीछे पाते हैं। लक्ष्मण जो वहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा बनाते, इससे बाहर मत आना माँ, लेकिन अंतोगत ये हुआ कि सीता जी को रावण के द्वारा हरण हो जाती है। भगवान आप ढूंढ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ, कैसे ढूंढते हैं, क्या करते हैं, आगे हम सुनते हैं छुपाइयों से। जय राम रूप अनूप निरगुण सगुण गुण प्रेरक I'm
ऐसा भगवान ढूंढते ढूंढते सीता जी को ढूंढते ढूंढते वनों में, और कृपा सागर रघुनाथ जी रघुवर जी अपने कर कमल से उस स्थान पर पहुंच लेकर के जहां पर मिलने वाले हैं कौन भगवान को जटायु, और जिसके धीरज धर करके गीत का वचन सुनते कि हे भव जन्म मृत्यु के भय नाश करने वाले रामचंद्र जी सुनिए हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा कर दी है, उसी दृष्टि से जानकी जी को हर ले गए हैं। कहीं एक जगह मिली जहां पर भगवान को कोई मार्ग मिल रहा है, और ये दो भाई जो होया करते थे जटायु को भगवान यहाँ पर यथा योग अपने हाथ से क्रिया करने से पहले इसे वचन सुनते हैं कि कैसे किस मार्ग से रावण सीता जी को हरण करके ले गए हैं। धीरज धरवाते हैं कि देखिए मैंने बहुत कोशिश की बचाने के लिए, लेकिन रावण ऐसे छल से मेरे पंखों काट दिए हैं। यही जटायु दोनों भाई संपाती थे, संपाती उधर बाद में जटायु और संपाती दोनों भाई, ये संपाती बाद में भगवान हनुमान जी आदि बानरों को सहायता प्रदान करेंगे कैसे लंका पहुंचने के लिए, और जटायु ये है दशा, ये है भक्त का लक्षण कि अपने आप भी अपने शरीर भी छोड़ देना भगवान भक्ति करते करते, अपने शरीर भी अंतिम बेला तक चल जाए, अपने हानि हो जाए लेकिन सत्य कर्म से ना हटे। जटायु वही है जो पहले अयोध्या में रहते थे, राजा दशरथ इनको प्रेम से इनके भाई के नाम से पुकारते थे, सीता जी और साक्षात में हैं भगवान राम भी इनको कभी काल काका भी बोलते थे, छोटे भाई छोटे पिताजी के छोटे भाई योग नाते। कृपा सागर रघुवीर जी अपने कर कमल को उसके सिर का स्पर्श करते हैं और अप्रताती के परम सुंदर मुख देखकर उसके सब पीड़ा जाती है। जिस दशा में पड़े थे जटायु पूर्ण काम आनंद के गिराशी अजन्मा अविनाशी श्री राम जी मनुष्य की से चरित कर रहे हैं, और उन्होंने गृदपति जटायु को पड़ा देखा तो रामचंद्र के चरणों में स्मरण किया, और जिन्होंने ये प्रण रखे थे कि अंतिम बेला तक मैंने सांस नहीं अपने सांस नहीं छोड़ूंगा, मृत्यु को नहीं मैं अपनाऊंगा जब तक राम का दर्शन नहीं हो जाए। महाभारत में हम लोग सुनते हैं कि विषम पितामह का जो इच्छा मृत्यु का उसका वरदान था, उसके यही इच्छा था कि अंतिम बेला में भगवान हमारे आगे खड़े रहे तभी हम शरीर छोड़ेंगे। यहाँ पर जटायु वैसे है कि इतने दुख में पड़े हैं पीड़ा में पड़े हैं लेकिन अपने आप को संभाल के रखेंगे जब तक भगवान का अंतिम दर्शन न हो जाए। गीता में भगवान बताते कि अंतिम क्षण में हम क्या कर रहे हैं वो असर पड़ता है अपने जीवन में, कि अंतिम क्षण में हम क्या सोच कर शरीर छोड़े, अंतिम क्षण में हम किसके पास है, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या कर करके शरीर छोड़ते, वो असर होता है हमारे दूसरे जन्म अथवा मोक्ष के बीच में। यहाँ पर जटायु गिद्ध जात का है, चीड़ जात का है, लेकिन फिर भी अपने पंख, अब इसके बाद में जब पंख कट जाएगा तो फिर कभी उठने बैठने के इसके मार्ग तो बनेगी नहीं, और ऐसा दशा में पड़े हैं खाने पीने के कोई प्रबंध नहीं, लेकिन फिर भी यही रखते हैं कि राम आएंगे इस रास्ते से, और उनको मैं मिल करके सूचना देकर ही शरीर छोड़ूंगा। तब उन्हें लेकर के दक्षिण दिशा के गए सीता जी कुरेरी कुर जो से तरह अत्यंत विलाप कर रही थी, यानी कि दक्षिण भाग वहां से साउथ इंडिया से बताते कि लंका की तरफ ले गए किस मार्ग तरफ, जटायु पूरी बात बताते हैं, मैंने आपके दर्शनों के लिए प्राण रोक के रखा है प्रभु। कब तक जटायु छोड़ सकता था शरीर, लेकिन आपके दर्शन की इच्छा था कि अंतिम में आप आएंगे। बहुत कम लोगों का मृत्यु ऐसा लिखा था कि अंतिम में भगवान सामने रहे, इनका है जटायु का है, और भगवान जब बाली और सुग्रीव का बीच में युद्ध समाप्त करने के लिए बाली का ऐसा ही मृत्यु लिखा था कि अंत में बाली शरीर छोड़ेंगे, छोड़ते छोड़ते भगवान उनके सामने खड़े हैं, और बाली की दशा ऐसा थी कि जब शरीर छोड़ने लगे, बाली का ऐसा वरदान था कि बाली के पास इतनी शक्ति थी कि जो भी कोई उससे युद्ध करने आए और सामने वाला व्यक्ति का आधा शक्ति बाली में चल गई, आधा शक्ति बाली में, तो फिर सामने वाला तो एकदम अधूरा ही पड़ जाता था। लेकिन तो भगवान राम छिप करके उसको बाण मारे, जब बाण लग गई उस मृत्यु के शैया पर पड़े हैं, बाली ने कहा कि भगवान आपने छल किया, ऐसे मुझको मृत्यु दंड क्यों दिए,
ऐसे छिप करके मुझे क्यों मारे? तो भगवान ने कहा कि आप बाली अपने आप से आज जीवन संभाल लो तो फिर मैं जीवित कर देता हूँ। बाली ने बहुत सोच करके कहा कि भगवान अंतिम क्षण में मृत्यु के समय आप सामने खड़े, ऐसा अच्छा इससे अच्छा मृत्यु कहाँ मिल सकता है। यही हाल यहाँ पर जटायु का है। जटायु की कृपा निधान, अब आप आए हैं इसी कारण तलिक में रोक के रखा हूं अपना प्राण। रामचंद्र जी का ये तात शरीर बनाए रखिए। तब उसमें से मुस्कुराते हुए मुंह से ये बात कही कि मरते समय जिनका नाम मुख में आने से अदम महान पापी भी मुक्त पा जाता है, ऐसा वेद गाते हैं भगवान, वही आप मेरे नेत्रों आंखों के विषय होकर के सामने खड़े हैं, ऐसा मृत्यु मुझे कहां मिलेगा। हे नाथ, अब मैं किस कमी किसके लिए देह रखूं? नेत्र जल भर करके रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों को तो गति पाई है कि देश के लिए, धर्म के लिए, रक्षा के हेतु, किसी का असहाय व्यक्ति का रक्षा के लिए करते करते आप शरीर छोड़ेंगे, वीर गति को प्राप्त होंगे। ऐसा ही राम नहीं आते तो भी वीर गति जटाई को मिले, क्योंकि सीता को बचाते बचाते अपने शरीर को ऐसा अवस्था बनाए थे जिनमें मन में दूसरे को हित बसता है। यहाँ बता दे, सीता हरण के बाद आप जाकर पिताजी से ये बात ना कहिए, यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहूंगा। यहाँ राम बड़े कठोर वाणी से कहते कि जो मैं कह रहा हूं आप शरीर छोड़ करके जाओगे, लेकिन भगवान जटायु को भी वहीं भेज रहे हैं जहां भगवान के पिताजी गए हैं। किसका जीवन चरित्र में क्या क्या लिखा है, दशरथ कितने महान महान पुण्य कर्म किए होंगे। जटायु एक मांस खाने वाला जीव, अंतिम क्षण में उसका भाग बना कि भगवान उसके सामने खड़े। और राम जो अपने पिताजी का क्रिया नहीं कर पाए, पिताजी का अंतिम क्षण में नहीं थे वहां, और वो राम आज पिताजी स्वरूप जटायु को एक गीत का दाह संस्कार कर रहे हैं। ये देख लीजिए, जटायु ने गीत की, देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम द्रव्य आभूषण को द्रव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर, विशाल चार भुजाएं और नेत्रों से लेकर के आनंद व जल भर करके और स्तुति करने लगे कि भगवान जय राम रूप अनूप, जिनके श्रुति निरंजन ऐसे और ब्रह्म व्यापक भगवान से कहने अखंड भक्ति का वर मांग कर गिरिधराज ने जटायु मांगा किया मृत्यु के समय शरीर छोड़ते छोड़ते अखंड भक्ति, अखंड के मतलब कभी नहीं हटे वाला, कभी समाप्त नहीं वाला, गीत जात का है ना। फिर भी नहीं, उनके पास बताने की ही क्या, हम जा रहे हैं कि भगवान आपका भक्ति हमारे जीवन। रामचंद्र जी का इसका दहाकर आदि क्रिया यथा योग अपने हाथों से ही किया, और रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्र के दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु है, ऐसा गीत को दशा दे करके सीता जी का रहा किस मार्ग से गए उसको पता लगा करके भगवान अब आगे बढ़ेंगे। पार्वती जी से भगवान शिव कह रहे हैं कि देखिए सुनो, ये लोग बड़े अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके और कुछ जीवन में करते हैं। भाग तो उन्हीं का है जो मनुष्य जीवन पाए हैं तो भगवान को भक्ति करे, ये शिव जी पार्वती से कह। अब भगवान कहाँ पधार रहे हैं, एक भजन के माध्यम से हम सुनते हैं। जाए रे राम दर्शन
भक्तों का भक्ति का भूखे भगवान वो प्रवेश कर रहे हैं कहाँ पर। मतंग ऋषि नाम का एक सज्जन वन में रहते थे, उसको पता था कि अपने जीवन में अपने वायु में वो भगवान को नहीं पा पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका शिष्य एक जिसका श्रद्धा इतनी थी, बचपन से माँ सवरी जो जात की थी उसके पिताजी ने उसको तैयारी कर रहे थे कि उनका विवाह में बहुत सारे जीव की हत्या होगी, उसी के डर से वो भाग जाती है घर से और छोड़ देती है, आश्रम में पहुंच जाती है कि हमारे कारण इतने जीव का हत्या होगा। इस कारण से शबरी अपने माँ पिताजी के गृह से निकल जाती है, कहाँ जाके मदंग ऋषि मदंग मुनि के ऋषि के आश्रम में बैठ जाती है और वहाँ पर गुरु जी का परम शिष्य बन जाती है। समय आने पर गुरु शरीर छोड़ते हैं, उनको यही कहते कि यही कुटिया में आप विराजिए, यहीं पर आए कि भगवान आपको मिलेंगे। गुरु के वचन इतना महान, गुरु को इतनी आदर देने वाली और सचमुच में उसको असर जीवन में देने वाली, अंतिम में आकर दर्शन देंगे भगवान। आशा लेकर बैठी है, हर दिन प्रतिदिन नया नया फूल पत्ते ला करके अपने कुटिया के पास में बिछा देती थी कि भगवान आएंगे तो उनका कोमल पैर इस पत्ते पर पड़ करके, फूलों पर पड़ करके हमारे तरफ आएंगे। हर दिन चक चक करके बता दिए कि झूठे फल लाती थी तो चेक लेती थी, उसमें चक करके देखती थी कि उसमें मिठास है कि नहीं, मिठास ही मीठे ही लगते रखते हैं अपने अपने प्रभु के लिए। और वहाँ से प्रेम मगन होकर जाती है जब ऐसे सच में पता कि वो राम आ गए, मेरे राम मेरे राम मेरे राम कहते कहते आरती निकालती थी। पहले तो पहचान ही नहीं पाई भगवान को, पहले तो पहचान ही नहीं पाई कि भगवान आ गए। देखते हैं राम लक्ष्मण को तो पहले अचानक में क्रोध होती कि अरे ऋषि मुनि मुझे परेशान मत करो, मैं यही राम के लिए बिछाई हूँ और अब जरूर आएंगे कभी ना कभी। सब लोग ऋषि मुनि हंसी करते कि राम कहीं यहाँ आने वाले हैं, लेकिन आज सच्चे होने वाला दिन, जैसे भी अवस्था में भगवान है, चाहे सीता जी के खोज में यहाँ निकले, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखती हैं भगवान अपने भक्त को ढूंढते ढूंढते भगवान भक्त के द्वार पर पहुँचाते। भक्त को भगवान को नहीं पहुँचना है, जैसे हम लोग अभी आपके द्वार तक पहुँच रहे हैं कथा के माध्यम से, आपको नहीं निकलना पड़ा, ना मंडली में जाना पड़ा, ना मंदिर में, कथा सीधे आपके द्वार में, आपके कान में, आपके मंदिर में, आपके यहाँ आपके लाउंज रूम में पहुँच रही कथा। ऐसे ही सबरी के यहाँ भगवान राम पहुँच रहे हैं, मार्ग बदल करके सीधे सीधे वहां पहुंच रहे। बीच में कबंदरी नाम का एक है, आठ उसको भी बद किए, जटाई को गति बताए और पहुंच रहे कहां पर भगवान का, भगवान की कृपा से पहुंच रहे। प्रेम मगन हो गई, मुख से वचन नहीं, जैसे वजन में हम सुने मुख से वचन, बार बार चरण कमलों को सिर नवाती है और फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों को चरण धोए। फिर सुंदर हमने कल सुना था कि केवट के भाग मिला कि भगवान राम का चरण दोनों धोए और यहाँ पर सबरी को मिल रही है। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि सबरी ने अपने प्रेम आंसू से चरण धोए हैं और कहीं पर लिखा है कि भगवान की सचमुच में जल तैयार थी और जल से ही धोए हैं। दोहा में आता है, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये हमेशा हम लोग के बीच में पड़ती है कि भगवान झूठे बैर खाए या ना खाए, झूठे क्या फल खाए, तो कौन सा फल खाए या सुनिए क्या लिखा है तुलसीदास जी, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद, रस बैर में तो रस रहता नहीं,
बैर फल तो ना यहाँ के जो स्टोन फ्रूट्स मानते हैं उसके गिनती में आता है। तो अत्यंत रसीले जिस फल में रस है उस फल को खाए, और मूल फल लाकर रामचंद्र जी के दिए। प्रभु ने बार बार, हम लोग गाते कि बैर खाए, यहाँ लिखा कि बार बार प्रभु प्रशंसा करके प्रेम सहित खाए। और खाते वक्त कैसे दोहा में तुलसीदास जी कैसे कथा अपने मुख से बोलते, पहले उनको तो सुन लें गान में।
अवस्था में अकेले वन में रह करके भक्ति कर रही है, कोई भी बाधा नहीं आया, गुरु का वचन सत्य हो गया, और एक नारी के लिए क्या चाहिए? यहाँ बताते फिर भी हाथ जोड़ करके आगे खड़ी हो जाती, प्रभु को प्रेम से देखती, अत्यंत बड़ा प्रेम जड़ जाता है, और किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति का हूं, अत्यंत मूढ़ बुद्धि का हूं। यहाँ पर बात योग है, कुछ ऋषि मुनि का कहना है कि जब भगवान के झूठे फल को खाएं तो भगवान तो ले लिए, और कहने लगे कि जब से मैं अयोध्या से निकला था, माँ कौशल्या के हाथ से जितने पकवान मिलती थी, मिठास थी, उसके बाद में आज इतने वर्षों बाद कोई मिठास ऐसा मिला है कि माँ जैसा किसी ने बना कर दिया, माँ जैसा कोई कंदमूल फूजे मुझे दिए हैं। और उसी समय बताया जाता है, इसमें रामायण में लिखा नहीं है लेकिन कुछ संतों का कहना है कि लक्ष्मण को जूठा ठीक नहीं लगा, लक्ष्मण ने बाहर फेंक दिया, और बाहर फेंकने के कारण उसको एक अपराध हो जाता, एक क्षमा एक बजा दी कि अपराध गलती हो गया, क्योंकि प्रसाद के रूप में कोई दे तो उसको ग्रहण करना योग्य है। प्रसाद के तीन अक्षर से बनती प्रसा और द, प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद के रूप में आपको कुछ मिला, आप उसको निरादर कर दिए तो बड़ी दशा बिगड़ जाती है। कितनी कथाओं ऐसी इसके ऊपर भी लिखी हुई है कि प्रसाद को निरादर नहीं करना, प्रसाद को ग्रहण करना ही करना चाहिए। और यहाँ पर लक्ष्मण ने जब ऐसा किया तो वही श्राप आकर बैठ गया, और जहां पर फेंके हुए थे बताया जाता है कि वही वनों से बाद में संजीवनी बूटी आएगी, तभी उस प्राण को रक्षा पड़ेगी। लक्ष्मण का रक्षा करने के लिए वही संजीवनी बूटी जहां से उसको अपराध हुआ था लौट करके वही आकर उसको रक्षा करने के लिए तैयार बनेगी। खैर लक्ष्मण का दशा वहां ऐसे रामायण में नहीं लिखा, लेकिन कुछ संतों का कहना है, मैं आपको बचाना होती समझा कि जो अधम से अधम है, क्या कह रही सबरी अपने आप को गिरा रही है, स्त्रियों उनमें से भी अधम है, उनमें से भी पाप नाशन हो, कि अपने इतने बताया कि एक गुण जितना स्त्री में होना चाहिए उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, यानी कि 1/8 ऑफ जितना गुण होना चाहिए एक माता माता है मैं एक स्त्री में उतना मेरे पास है। ये माना मेरी बात सुनो, भगवान क्या कहते हैं कि ये सब बात छोड़े, मैं तो सिर्फ भक्ति का नाता जानता हूँ। हम लोग सुनते हैं यही बात वाल्मीकि कह रहे, यही बार तुलसीदास जी बार, यही बात शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि भगवान क्या चाहते हैं हमारे और आपके बीच में, कितनी भक्ति है, कितनी है, हम लोग में श्रद्धा है भगवान के सच्चे। जीवन चलाने के लिए तो सब कुछ सब जीव करते हैं, हाथी भी 100 वर्ष तक जीते हैं, वो भी शाकाहारी रह करके 100 वर्ष तक जीते हैं, लेकिन क्या बड़े काम हुआ हाथी से। मनुष्य ही कैसे भगवान को भक्ति कर पाएगा, अंतर और जीव और मनुष्य में यही है कि मनुष्य ही भगवान को भक्ति, और अंतिम अवसर प्राप्त हो रहा है मनुष्य की, भक्ति कर ले तो फिर मोक्ष के द्वार आपके खुले हैं। यहाँ पे बता रहे कि जाति न मैं समझता हूँ, न पाति समझता हूँ, न कुल की, कोई कुल बड़ा है तो फिर उनके लिए बड़ा है मेरे लिए क्या, कोई धर्म बड़ा है तो बड़ाई कर रहा है, कोई बड़ाई को चाहता है, कोई धन बड़ा है, कोई बलवान है, कोई कुटुंब बड़ा है, कोई का गुण ज्यादा है, कोई कोई चतुर है, तो सब अपने लिए है, तो सब अपने लिए है। इन सब के होने पर भी भक्ति व्यक्ति में नहीं है तो फिर क्या मतलब, जैसे एक मछली बिना पानी को नहीं जी पाएगी, ऐसे ही हमारे ऐसे भगवान चुनते कि मैं कैसे भक्ति देखता हूँ ये व्यक्ति के बीच में, 9 प्रकार का, ये 9 नंबर बड़ा महान है भक्तजन हमारे बीच में। 9 नंबर पे नौमी तिथि का ही भगवान का जन्म है, देवी का भी 9 रूप हम लोग नवरात्रि के सुनते आते हैं। यहाँ पर 9 प्रकार के भगवान भक्ति बताते, 8 नहीं बताए, 10 नहीं बताए, 9 ही बताए। 9 नंबर में वो गुण है कि 9 को जब भी आप उसको 7 पे जोड़ोगे कुछ ना, मल्टीप्लाई करोगे, 9 से 2 करोगे तो 18 होगा, 18 यानी 18 होगा, तो 18 में 1 और 8 जोड़ोगे वापस 9 बन जाता है, 9 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 27 होगा, 2 और 7 जोड़ोगे फिर 9, ऐसे 9 में। तो भगवान बता रही है 9 में से 9 भक्ति, 9 भक्ति का जो मोड़ है इसमें से भाग है, इसमें से कोई भी हम कर रहे हैं अपना रहे तो समझना कि हम ठीक मार्ग पर है भगवान के बताए हुए। पहला क्या है, गुरु पद पंकज, भगवान बता कि प्रथम भक्ति संतन का सेना, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। वाल्मीकि जी जैसे भगवान को कहे थे कि मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुनने, मन में धारण कर, पहली भक्ति है संतों का सत्संग का। संत का मतलब है जो संत स्वभाव पे जीता हो, संत स्वभाव, संत का स्वभाव है अपने भलाई के बारे में नहीं सोचता, दूसरे की भलाई चाहे करता नहीं, जुड़े के दूसरे के भलाई के लिए हमेशा लगे रहते, दूसरे का कल्याण हो जाए अपना चाहे नहीं। दूसरी भक्ति क्या है, कथा में प्रसंग रखना,
जैसे वाल्मीकि जी बताए थे कि जो व्यक्ति कान समुद्र की तरह हो, हमेशा भगवान को कथा में सुनने में इतनी आनंद हमेशा ही पड़े रहे, जैसे आप श्रद्धालु जन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सबका आपका ही वाल्मीकि जैसे कहें और भगवान राम जैसे यहाँ कह रहे हैं कि कथा में प्रसन्न रखना, कथा में रुचि रखना, सिर्फ नाम नवमी है इसी कारण नहीं, लेकिन हमेशा कथा को अपने जीवन में उतारते रहना, ऐसा व्यक्ति का हृदय में भगवान निवास करते। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा भक्ति देखता हूँ व्यक्ति में, कितना उनको कथा सुनने में रुचि है। तीसरी में क्या है कि भक्ति अभिमान को त्याग करके, यानी घमंड नहीं रखना कि फलाना मेरा गुरु है, अभिमान तो त्याग दे, ईगो को त्याग करके और गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। सचमुच में गुरु को जैसे चाहिए, गुरु से पूर्ण रूप से आशीर्वाद चाहते, जैसे भगवान विश्वामित्र के साथ में किए। भगवान राम के जीवन में दो गुरु बने, गुरु वशिष्ठ कुल के हिसाब से और गुरु विश्वामित्र जो वन में लेकर उनको विवाह का कार्य करवाए। तो भगवान जैसे दोनों गुरु को सेवा करते थे, वैसे भगवान बताते कि अपने गुरु को आप आदर देना, क्योंकि भगवान जानते हैं भगवान हर घर पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन गुरु घर घर, गांव गांव, गली गली, देश देश विदेश पहुंच करके भक्तों का कल्याण कर सकते हैं। और यहाँ बता रहे किसी चौथी भक्ति क्या है, कपट छोड़ करके मेरे गुण समुद्र गान करना ना? अब कुछ भी कार्य करना, इसमें कपट हम ला दे, कुछ छल ला दे, जो उचित नहीं है, भक्ति का मार्ग पर हमको बाधा पड़े, हमारे मन को इधर उधर विचलित करे, तो ये ठीक नहीं। और मेरे नाम मंत्र जाप करके मुझ में ढेर विश्वास, ये बड़ी जरूरी है कि मंत्र कोई बोल रहे उसमें विश्वास रखना चाहिए। हर एक मंत्र के कोई ना कोई सीमा होता है कि कितने हजार बार कितने लाखों बार उसको आप जप कर ले तो काम करने लगता लाभ के लिए। जब आपत्ति आती, जीवन में कठिनाई आती, तो मंत्र आपको जीवन में काम करेंगे, भलाई करेंगे, लेकिन जब मंत्र आप हमेशा बदलते रहेंगे, ऐसा आज मंत्र एक कल दूसरा हो, तो इसी कारण से भगवान पहले कह दिए कि गुरु मंत्र का सहारा लो और गुरु का गुरु के भक्ति का मार्ग चुनो। और साथ साथ में यहाँ बता रहे कि भगवान बता रहे कि मंत्र जाप मम ढेर विश्वास, विश्वास करके ढेर विश्वास रहे, कुछ भी हो जाए लेकिन मंत्र अधूरा, जैसे सबरी ने ढेर विश्वास से उस मंत्र को रखा अपने जीवन में, गुरु के दिया वो मार्ग को अपनाया, भगवान भागते भटकते ही अज के द्वार पर आए। और यहाँ बता रहे कि पांचवी भक्ति जो वेदों में प्रसिद्ध है, छठी भक्ति क्या है, इंद्रियों को, पांच इंद्रिया हमारी आंख है, कान है, नाक है, स्पर्श करते हैं सुनने की, और ये भगवान बता रहे कि पांच इंद्रियों को अपने वश में रखना, निग्रहशील, अच्छा स्वभाव से चरित, बहुत कार्य, वैराग्य, निरंतर संत पुरुष धर्मात्मा में लगे रहे, कि हमेशा ही हमेशा अपने इंद्रियां जो है कुछ ना कुछ उल्टे कर्म या भाग में जाने चाहेंगे तो उसको बटोर करके, मन को समझा करके ठीक मार्ग पर हमेशा रखे, तो ऐसा साधन खोजे। सातवा क्या है, सातवा भक्ति जगत भर के संभाव से मुझसे ओतप्रेत राम में देखना, यानी कि संसार पूरे हैं सब राम में देखना, संसार सब जीव में राम है ऐसे समझना था। ऐसे जहां हम समझे लगे कि जो दुष्ट व्यक्ति उसमें भी राम है, जो मेरा दोस्त है उसमें भी राम राम है, और जहां जहां भी कोई जीव जंतु बच रहे हैं, तभी कभी कभी जीव का हत्या का आपका जीवन में बात ही नहीं उठेगा। जीव का हत्या के नहीं, दूसरे जीव को हानि कभी नहीं पहुंचाओगे, जब हानि ही नहीं करोगे तो आपका बुरे कर्म नहीं हुए, पाप नहीं बढ़ा, तो फिर सब जीवन कल्याणी कल्याण शुभी शुभी कर्म चल रहा है। तब जब किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे तो भगवान बताए उसी समय आप किसी को हानि नहीं करोगे जबकि सबको राम में देखोगे। जैसे आप सोचे कि आपके हृदय में राम है वैसे सामने वाला भी राम है, इसी कारण से हम एक दूसरे से राम राम कर दें, एक दूसरे से राम राम कहते कि मैं आपके अंदर राम राम ही देख, राम ही राम देख रहा, दूसरा कहता कि मैं सीता राम देख रहा हूं, तो ऐसे भावना। तो भगवान बता रहे कि सभी जीव में राम 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 ही देखना। और ये सातवीं भक्ति है भव सागर में देखना, संतों से मुझसे भी अधिक मानना, संत समाज जो है जो आपको ठीक मार्ग पर दिखा रहे हैं भक्ति का मार्ग, संत जहां तक आपको भक्तों के भक्ति के मार्ग पर ले जा रहे तब तक संत गिनती है, जहां संत आपको असंत वाले मार्ग पर चले गए तब समझना में संत बना नहीं है। तो उसको बताया कि संत को जब तक आपको भगवान के भक्ति की तरफ मोड़ रहे हैं उसको अपनाना। आठवीं भक्ति जो कुछ मिल जाए, संतोष रहना बड़ी जरूरी होता है, कि कभी हमारी गुरु को बात याद हमेशा आती है कि हमेशा वो कहते थे कि लालच मत करना अपने भगवान से, कभी कुछ मांगना नहीं कि ये चाहिए भगवान, तो समझो भगवान अंतर्यामी, भगवान को पता है तुम्हारे जीवन में क्या कमी है, भगवान को देना हो अपने आप से देंगे, मांगने के बाद क्या, भगवान को अगर देना है भगवान इस कारण से कुछ नहीं दे क्योंकि तुम्हारे पुण्य और हिसाब किताब पूरा नहीं हो जो वस्तु आप चाहते हैं, भगवान को जब देना होगा तो दे ही देंगे बिना मांगे ही। ऐसे कह रहे हैं कि आठवीं भक्ति मिल जाए, जो कुछ मिले उसमें संतुष्ट रहना, क्योंकि जो मिला है हमारे पुण्य और पाप के हिसाब से मिला, अपने कर्म से मिला है।
और उसी में से संतोष रहना, और सपने में भी पराये दोषों को नहीं देखना। कोई उल्टे कर रहे हैं सो अब उनको रोक सकते हैं, समझा सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो उठकर वहां चली जाइए। जो कर लिए हैं उनको बातें को लेकर के, उनको बातें दूसरे व्यक्ति से मत कहिए कि फलाना ने ऐसे किया, क्योंकि उनका ऐसा दूसरे के व्यक्ति का पाप का चर्चा आप करोगे तो उनका पाप का भागीदार आप भी बनेंगे, कि पाप का प्रचार कर रहे हैं। जो बोलना चाहिए मुंह से वो नहीं बोल रहे हैं, वो बुराइयां को छोड़ करके बढ़ाइयां बोलना चाहिए, वो जगह पर आप बुराई बोल रहे हैं, तो यही में जीवन। यह नौवीं भक्ति क्या है? सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष धन्य विषाद न होना। इन नौवों में से कोई एक भी अपना ले, भगवान कितना सरल कर दिए। पहले तो भगवान देखे कि सबरी में क्या क्या गुण है, ये सारे गुण सबरी में भरी थी। कोई संतों को कहना है कि सबरी के, हो सकता है कि सबरी में गुण थी तो भगवान दोहरा दिए उनको, लेकिन हो सकता है ऐसे कि सचमुच में भगवान ये चाहते हैं, हो सकता है भगवान ने वाल्मीकि से जो सुने वो उधारे, जैसे भी है रामायण में लिखा है कहीं पर कि 9 कमांडमेंट्स की भक्ति का, तो ये है भगवान के मुखार से कहीं निकला है कि क्या भगवान चाहते हम लोग और आपसे, तो ये 9 प्रकार का भक्ति। श्रोताओं समय अनुसार कथा को यहाँ पर टालते हैं और एक देवी का भजन सुन करके संक्षेप में आज की कथा देवी की चर्चा करके फिर भगवान राम का 108 नाम पर चलेंगे। Oh,
ऐसे सेवरी माँ के चरित्र से आज कथा को विराम देते हैं। रामायण के माध्यम से अरण्यकांड अगले कल का ऐसे ही शाम को बेला में 7 बजे से लेंगे रामायण की कथा आगे। लेकिन रामनवमी को नवरात्रि रूप में भी मानते हुए बहुत श्रद्धालुगण ऐसे भी है देवी भक्त। कल हम लोग सुने थे माता कुष्मांडा को, जो सूर्य नारायण सूर्य मंडल के अंदर निवास करती हैं और सूर्य नारायण को प्रकाश प्रदान करने के लिए सहायता करती है। इधर हम लोग आज सुन रहे स्कंद माता। स्कंद माता, स्कंद का अर्थ होता है कि 6 रूप वाले, 6 सर धारण करने वाले बालक को रक्षा करते हुए स्कंद माता नाम पड़ी। ये माँ का 5वें दिन नवरात्रि में उनको रूप माना जाता है। स्वामी कार्तिकेय जी को गोद में लिए रहती है। प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं को सेनापति बनेंगे बाद में। पुराणों में इन कुमार और शक्तिधर को इनको महिमा वर्णन किया गया है कि यही भगवान शंकर का वीर से एक संतान पैदा होने वाले हैं जिसका नाम पढ़ेंगे बाद में कार्तिकेय। और ये धरती पर गिरती है, माता पार्वती को नहीं पता लगती है, इसको धरती मैया नहीं संवार पाई इस वीर को, तो नदी में डाला जाता है, वो भी नहीं संवार पाई। बालक जब होते हैं तो फिर उसको लेकर के अप्सराएं, 6 अप्सराएं स्वर्ग लोक से आकर के इसको ले जाते हैं अपने नाम पर। वहां पर पालन पोषण करते बहुत समय बीत गई। पार्वती मैया को ज्ञात हो गई कि भगवान शिव के शरीर से जो वीर गिरी उससे संतान हो गए, और संतान को ढूंढने के लिए इधर उधर बहुत भटकी। अंत में यही पता लगता है कि भगवान शरीर, अंत में यही पता लगता है कि ये जो स्वामी कार्तिकेय भगवान शिव का पुत्र है, ये जा करके स्वर्ग लोक में है। तो पार्वती जी बहुत निवेदन करती है, भगवान शंकर को भी प्रार्थना करवाती है, और साथ में दोनों मिल करके जा करके कार्तिकेय जी को जा करके स्वर्ग लोक से वापस ले आती है। और स्वर्ग लोक से वापस ला करके भगवान श्री कार्तिकेय जी को अपने गोद में लेकर विराजमान थी। बहुत वर्षों तक कार्तिकेय को लालन पाषण देने के बाद में अंत में कार्तिकेय जय करके देवताओं को सेनापति बनते हैं। ऐसे देवी भागवत में दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि स्कंद माता उपासना का भक्त जो व्यक्ति आज के दिन 5वें दिन नवरात्रि रामनवमी में व्रत रखते हैं, माँ स्कंद माता को प्रसन्न करते हैं, समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमारे जीवन में बहुत इच्छाएं होती हैं, लेकिन अंतिम में सारी इच्छाएं जो भी हम रखते हैं वो पूरा हो जाए तो स्कंद माता की कृपा से। इस मृत्यु लोक में इसे परम शांति और सुख अनुभव होने लगते हैं कि जीवन में हमको आपसे अनुभव लगे कि शांति स्वभाव उसकी, जितने भी लालच हमारे बीच में बढ़ो, कुछ चाहत हो कि ये मिल जाए, ये हो जाए, ये संसार में धीरे धीरे से मनने लगेगी, अपने आप संतुष्ट होने लगेंगे जो आपके पास है। ये माँ स्कंद माता की कृपा से। स्कंद माता उपासना बाल स्वरूप और स्वयं ही विशेषता केवल इन्हीं का प्राप्त नहीं, इस साधक को स्कंद माता का उपासना और विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य इसी प्रकार से सूर्य मंडल से अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज कांति से उत्पन्न होती है। इस कारण से स्कंद माता पार्वती का रूप ही है, लेकिन जब कार्तिकेय जी को अपने गोद में लेकर संभालती तब इसका नाम स्मरती है। और इनका देवी चरित में कथाओं के चरित्र के हिसाब से आज 5वां दिन इनका विशेष पूजन का तिथि बनती है। बोलिए स्कंद माता की जय। भक्तन जन चलते हैं, जो आप तैयार किए हैं अपने पास कुछ फूल का पंखुड़ियाँ हैं तो फूल ही है, या तो तुलसी दल है, भगवान विष्णु राम या कृष्ण है मूर्ति सामने, तो उनके पास आप समर्पित करिए बारी बारी से, और साक्षात में राम रामायणम ऐसे आप जब भी कर लीजिए, आपका मंत्र भी जो चलेगा और साक्षात में इधर एक साधन भी बन जाएगी कि आप इसको आप श्रवण करें हैं भगवान का 108 नाम राम जी का। ओम श्री रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्री राम भद्राय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्री शाश्वताय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्री राजीव लोचनाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्रीमान नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राजेंद्राय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रघुपुंगवाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः। ओम राम
रामाय नमः ओम चित्रे नमः ओम राम रामाय नमः ओम जितामित्राय नमः ओम राम रामाय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम विश्वामित्र प्रिये नमः ओम राम रामाय नमः ओम दांत नमः ओम राम रामाय नमः ओम शरणादत परायतने नमः ओम राम रामाय नमः ओम बाली भ्रमथनाय नमः ओम राम रामाय ओम वागिमी नमः ओम राम रामाय नमः ओम सत्यवाक नमः ओम राम रामाय नमः ओम सत्य परिक्रमाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम सत्यवर्त नमः ओम राम रामाय नमः ओम वर्तधराय नमः ओम राम रामाय नमः ओम सदा हनुमद्दश्रिताय नमः ओम राम रामाय नमः ओम कौशल्ये नमः ओम राम रामाय नमः ओम खरधवंशी नमः ओम राम रामाय नमः ओम विराधवद पंडिता य नमः ओम राम रामाय नमः ओम विविशन पवित्रताय नमः ओम राम रामाय नमः ओम दशग्रीवरीश्वराय नमः ओम राम रामाय ओम समतालव प्रभिताय नमः ओम राम ओम ओम हरकुंड खंडनाय नमः ओम जयंतगा मर्दलाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम दाटीकांत कृताय नमः ओम राम रामाय नमः ओम वेदांत पराय नमः ओम राम रामाय नमः ओम वेदातात्मने नमः ओम राम रामाय नमः ओम भौरोग गंभीर वेशेजे नमः ओम राम रामाय नमः ओम दूषण त्रि श्रीहरंताय नमः ओम राम रामाय नमः ओम त्रिमूर्ते नमः ओम त्रिगुणात्मने नमः ओम राम रामाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम त्रिलोकात्मने नमः ओम पुण्यचरित कीर्तनाय नमः ओम त्रिलोरक्षकाय नमः ओम धनवी नमः ओम दंडकारणं संस्कृताय नमः ओम अहिल्या शाप विमोचनाय नमः ओम पितृभक्त नमः ओम वरप्रदाय नमः ओम जितेन्द्रिये नमः ओम जितक्रोधाय नमः ओम जितामित्राय नमः ओम जगद्गुरुवे नमः ओम ऋच्छवानर संघाती नमः ओम राम रामाय नमः ओम चित्रकूट समाश्रये नमः ओम राम रामाय नमः ओम जयंत्रात वरदाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम सुमित्रा पुत्र सेविताय नमः ओम राम रामाय नमः ओम सर्वदेव विदेशे नमः ओम राम रामाय नमः ओम मित्र वानर जीवानय नमः ओम राम रामाय नमः ओम माया मरीचंताय नमः ओम राम रामाय नमः ओम महाभोग नमः ओम राम रामाय नमः ओम महाभुज नमः ओम राम रामाय नमः ओम सर्वदेव स्तुताय नमः ओम राम रामाय नमः ओम सौम्यै नमः ओम राम रामाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम राम रामाय नमः ओम मुनिसंसुताय नमः ओम राम रामाय नमः ओम महायोगी नमः ओम राम रामाय नमः ओम महोदार नमः ओम राम रामाय नमः ओम सुग्रीव व्यस्तराजै नमः ओम राम रामाय नमः ओम सर्वपुण्यदीपकफलाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम सिमरीति सर्वगणाशनाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम आदि पुरुषाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम परम पुरुषाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम महापुरुषाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम पुण्यविदे नमः ओम राम रामाय नमः ओम दयासार नमः ओम राम रामाय नमः ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम स्मित वक्राय नमः ओम राम रामाय नमः ओम मितभाषी नमः ओम राम रामाय नमः ओम पुरभाषी राम नमः ओम राम रामाय नमः ओम राघव नमः ओम राम रामाय ओम अनंत गुण गंभीराय नमः ओम राम रामाय नमः ओम शिरोतक्त गुणोत्तमाय नमः ओम माया मनुष्य चरित नमः ओम राम रामाय नमः ओम मितभाषी नमः ओम राम रामाय नमः ओम महादेवते पूजिताय नमः ओम राम रामाय नमः ओम अनंत गुण गंभीराय नमः ओम राम रामाय नमः ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम शिरोदक्त गुणोत्तमाय नमः ओम राम रामाय नमः ओम श्यामांग नमः ओम राम रामाय नमः ओम सुंदर नमः ओम राम रामाय नमः ओम शूर नमः ओम पितवासाय नमः ओम धनुधराय नमः ओम राम रामाय नमः ओम सर्वयागदीपाय नमः ओम राम
ॐ यज्वे नमः ॐ जरामन्वर्जिताय नमः ॐ श्रीतर्थधरं प्रतिष्ठाते नमः ॐ सर्वपगुणवर्जिताय नमः ॐ परमात्माय नमः परब्रह्म नमः सच्चिदानन्द विग्रहाय नमः परम ज्योति नमः परम धाम नमः पराकाश नमः परतपराय नमः परेश नमः पारग नमः पारह नमः सर्वदेवतात्मक नमः ॐ शिवः नमः श्रीराम नमेति नमेति रामे मनोरमे सहस्रां ततुल्यं रामनाम वर्णानि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगा सप्तते मोचदायका ॐ राम रामाय नमः। आरती के लिए तैयारी और चल शुरू करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे घब्बर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। I'm the one who needs you.
अमृतम् ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षे वामृतम् ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षे वामृतम् ओम सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शांति भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम अस्तु मा सद्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय गणपति गजानंद भगवान की जय आदिशक्ति नो दुर्गा माता की जय पवन सुत हनुमान की जय सीता राम चंद्र परिवार की जय राधा कृष्ण भगवान की जय रामायण महाग्रंथ की जय स्कंद माता की जय। जी हाँ दोस्तों, आप जितने लोग आज हमारे साथ रेडियो सरगम के माध्यम से जुड़े हैं, आप सभी को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं जुड़ने के लिए। आज जो आज का हमारा प्रोग्राम था, स्पॉन्सर्ड बाय सिडनी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, मिस्टर देव चंद और उसके परिवार की तरफ से, और पंडित जी को हम धन्यवाद देते हैं और उनका टीम को जो आकर पांचवा दिन का रामनवमी का जो सेलिब्रेशन था यहाँ हमारे स्टूडियो से लेकर आए हैं आप सभी के नाम। तो उम्मीद है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, कल का जो प्रोग्राम होगा वो उस प्रोग्राम के विषय में कल हम आपको इतला करेंगे। ऐसे ऐसे रूल्स आर चेंजिंग एवरी डे, तो अगर कुछ चेंजेस होगा तो ज़रूर हम आपको रेडियो सरगम के प्रोफाइल से आपको ज़रूर बताएंगे, और उम्मीद करेंगे कुछ ऐसा ना हो, हम ज़रूर प्रोग्राम लेकर आए छठा दिन का। और जैसे कि लोग जानना चाहते हैं, आज माता स्कंद माता की था, कल कटियानी माता जी का प्रोग्राम, माता जी का पूजा होगा और कल का कलर येलो ऑरेंज होगा। तो चलते हैं दोस्तों, जो जो लोग माता के भक्त हैं मत भूलिएगा ऑरेंज पहनने के लिए, और उम्मीद करेंगे आप 7 बजे से हमारे साथ ऐसा ही जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी जो आप हमारे प्रोग्राम में आए थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आपकी टीम को, देवचंद जी आपको भी हम धन्यवाद देते हैं स्पॉन्सर करने के लिए जो इस रामनवमी का प्रोग्राम। थैंक यू वंस अगेन दोस्तों। चलते हैं भरत जी के मुख से गीत सुनते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं दिवं गापदं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल गंभीरं मनोमुद्ध कोटि भव
आज का जो ये प्रोग्राम है यहाँ पर समाप्त होता है और आपने सुना था आज पांचवा दिन था और पंडित जी के मुख से जो ये इतनी सुंदर कथा कल जरूर हम आने की कोशिश करेंगे और अपने दायरे में रहकर आएंगे अगर जो भी रूल्स होगा तो उसको हमको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों जैसे कि अभी बहुत सारे क्राइसिस हो रहा है और देख रहे हैं कि लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो इसीलिए हमने रेडियो सरगम के स्टूडियो से ये लेकर आए हैं पंडित जी के साथ लेकर ये आए हैं तो उम्मीद करें कि दोस्तों अगर राम जी का कृपा रहेगा तो जरूर कल का प्रोग्राम होगा कुछ चेंजेस होगा हम आपको इतला करेंगे चलते हैं एक और गीत आप सभी के नाम जी हाँ सरसचंद जी कल का कलर येलो है और कल सिक्स डे है तो सॉरी जी हाँ ऑरेंज कल का ऑरेंज है सॉरी तो चलते हैं गीत आप सभी के नाम राम दर्श भक्ति के बाद बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी होती जाने क्या बात होती तो क्या बात होती राम धुन मन में मगन हो तो दिए जल उठते राम धुन मन भक्ति भक्ति में दिन लागी तेरी भक्ति भक्ति
जी हाँ दोस्तों, ये गीत यहाँ पर समाप्त होता है और जी हाँ दोस्तों, ये गीत यहाँ पर समाप्त होता है। हमने मैसेज में कमेंट बॉक्स पर एक मंत्र डाला है आप सभी के नाम, पंडित जी ने दिया है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा आश्मा शिवा धरती स्वाहा स्वधा नमस्ते 109 टाइम्स डेली इसको जाप कीजिए, ये माता की मंत्र है। तो हमने कमेंट बॉक्स पर लिखा है, आप वहां से ले सकते हैं इस मंत्र को। चलते हैं एक माता की एक गीत हम आप सभी के नाम बजाते हैं, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। जब तक कि ये गीत हम ढूंढ रहे हैं आप सभी के लिए, स्कंद माता स्तुति। सभी को पसंद आया होगा। चलते हैं एक और गीत जो माता की है आप सभी के नाम हम बजाते हैं, उम्मीद है आप सभी को जरूर पसंद आएगा। नवरात्रि है दोस्तों। अरे सूर्य सती माँ तू बड़े की विद्या के भंडार, अरे आए के बातो मैया कंठ मोरी की रखना लाज हमार, की रखना लाज हमार। अरे सूर्य सती मैया Thank you.
उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अब आज का प्रोग्राम हम यही समाप्त करते हैं, 5-6 मिनट बाकी है 10 बजने में। दोस्तों पांचवा दिन था नवरात्रि का, बहुत अच्छी तरह से हुआ है रेडियो सरगम के माध्यम से, और पंडित देवेंद्र जो आकर प्रचार करता है साथ साथ में उनकी टीम की तरफ से। जैसे कि आप सभी जानते हैं एवरीडे रोल्स यहां पर चेंज हो रहा है, तो हम आपको इतला करेंगे अगर कुछ चेंजेस होगा, नहीं तो कल शाम 7 बजे से ज़रूर हम लेकर आएंगे प्रोग्राम, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ेगा। किसी का नामावली नहीं लिया दोस्तों, क्योंकि जब पंडित जी प्रचार करते हैं तो उस समय हम नहीं लेते, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। जितने भी लोग आज जुड़े थे रेडियो सरगम के माध्यम से, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और इस प्रचार सुनने के लिए। उम्मीद करेंगे कल शाम को हमारे साथ ऐसा ही जुड़ेंगे। आप सभी को नवरात्रि बहुत बहुत, रामनवमी और नवरात्रि आप सभी को बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम। मिलेंगे आप सभी को कल शाम 7 बजे। शाम से जुड़ती है हमारे साथ गुरुचरण जी, आपको भी हम थैंक यू करते हैं, और परसराम जी आपको भी साथ साथ में। दोस्तों हमने अलीकांत जी आपको भी, सुशील नायर जी हम आपके कमेंट बॉक्स पर आपको भेजा है वो जो मंत्र, उम्मीद है आपको मिल गया होगा। और सुषमा जी आपको भी जैसी इसी तरह। जी हाँ रंजना जी, थैंक यू दोस्तों। रंजना जी रेडियो सरगम के एडमिन है और आज इस प्रोग्राम में जुड़ी थी, 5 वर्ष से हमारे साथ जुड़ती है और हमारे प्रोग्राम को शेयर करती है। राम जी का कृपा इस पर बनी रहे।